हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सोच के बताओ। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके करांगे, तो हरियाणा जीके करांगे तो हरियाणा जो हमारी हरियाणवी लैंग्वेज उसी में करते हैं, ताकि और स्वाद आवे हरियाणा जीके पढ़ने में। तो मेन चीज यही है कि हमने वह चीज याद करनी है, वह चीज क्यों करे भी याद हो जाओ। तो चलो आज हरियाणवी में कोशिश करते हैं, हरियाणवी में ये पढ़ांगे आप। हरियाणवी में पर जो प्रश्न जो है वो हिंदी में लिखा हुआ है, तो उसको हिंदी में ही पढ़ेंगे, बाकी बात आप सारी हरियाणवी में करांगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न तारी स्क्रीन पर, जल्दी तो देख कर, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी। तो आई थिंक सभी को पता होगा कि महाभारत की रचना कड़े हुई थी, अपने महाभारत की रचना कुरुक्षेत्र में हुई थी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है। तो रोहतक का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिला है, नकुल दिग्विजय में। नकुल दिग्विजय में रोहतक का उल्लेख मिलता है। हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है। तो आई थिंक सब ने बेरा होगा कि कर्ण से संबंधित करनाल है अपना। योद्धा काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। तो योद्धा काल में हरियाणा को बहुधान्यक नाम से जाना जाता था। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के सातों स्वर का उल्लेख है। तो अग्रवा में जो अभिलेख जो प्राप्त हुए थे उसमें संगीत के सातों स्वर का उल्लेख है। काले चमकीले चरित्र मृदभांड किस काल से संस्कृति दर्शाते हैं। तो किस काल की संस्कृति दर्शाव है, वैदिक काल की। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया था, वो कौन सा था, इसार। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है। तो बनवाली फतेहाबाद। इसार व अग्रवा के टीलों का उल्लेखन में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए थे। तो किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए थे, पंचमार्क सिक्के। कौन से पंचमार्क सिक्के। हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है, एहोल अभिलेख से। प्रारंभिक हड़प्पा व प्रीकव हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए हैं। तो कहां से प्राप्त हुए हैं, सीसवाड़ राखीगढ़ी से। कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली 16 महाजनपदों में से एक था, कौन सा था, इंद्रप्रस्थ। कौन सा था, इंद्रप्रस्थ। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रे गणराज्य की राजधानी था। तो अग्रवा था। कौन सा था, अग्रवा। महाराज अग्रसेन का संबंध किस नगर से है। तो किस नगर से है महाराज अग्रसेन का संबंध, अग्रवा से। शक्तिशाली वृंदन वंश का उदय हरियाणा में कहां से हुआ था। तो कहां से हुआ था, थानेसर से। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था। तो थानेसर किसकी राजधानी था, हर्षवर्धन की। चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस नगर की गरिमा व शक्ति का चर्चा की गई है। किस नगर की चर्चा की गई है, थानेसर की। अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में निम्नलिखित में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है। तो किस स्थान को बताया गया है, थानेसर को। मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 और 1192 में युद्ध हुआ। कहां पे हुआ था, त्रावड़ी में, जिसे हम त्राइन की लड़ाई भी बोलते हैं। त्रावड़ी त्राइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो किसकी विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की। त्राइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रवा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था। तो पृथ्वीराज तृतीय की हार के बाद अग्रवा का क्षेत्र मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था।
रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। 13 नवंबर 1240 को उनकी हत्या कर दी गई। जहां पर उनका गुंबद है वर्तमान में वह जिला कौन सा है, तो कौन सा है, कैथल वह जिला जहां पे रजिया सुल्तान का गुंबद है। सुल्तान बलबन, सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवो की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था, तो कब किया था 1265 ईस्वी में। फतेहाबाद नगर किस के नाम से बसाया गया था, तो फतेह खां के नाम से फतेहाबाद नगर बसाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी, कौन से नगर की स्थापना की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी। गुवाणा क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, तो गुवाणा क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के जब शासन कर रहे थे तब हुआ था। सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया, तो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, इन सभी शहरों पे सम्राट तैमूर ने हरियाणा के इन शहरों पे आक्रमण किया था। 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो कहां हुआ था, आई थिंक ये सबको पता होगा कि पहला पानीपत का युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, पानीपत में। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था, तो कौन था, इब्राहिम लोदी, कौन था, इब्राहिम लोदी। कौन सा राजा हिम्मू के नाम से प्रसिद्ध था, तो बताइए हिम्मू के नाम से प्रसिद्ध कौन सा राजा था, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो कब हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई, 1556 में। पहली कब हुई थी, 1526 में। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन सा था, हेमचंद्र। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र था। करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था, कौन सी ईस्वी में हुआ था, 1739 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई थी, तो मराठी शासकों के बीच में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठी शासकों के बीच में। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी, तो 1761 में। पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी लड़ाई 1556 में, तीसरी 1761 में। मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को क्या कहते थे, तो क्या कहते थे, बरानी। बरानी हम मुगल काल के दौरान हरियाणा में जो वर्षा आधारित खेती वाली जमीन थी उसको हम क्या कहते थे, बरानी कहते थे। तो ये इसके आंसर्स भी दिए गए हैं, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो यहां से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट करते हैं हम। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था, तो सिरजियन गांव की संधि के साथ। किस वर्ष ब्रिटिश शासक द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया था, तो 1833-1834 ईस्वी में ब्रिटिशों द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया था। अजीत सिंह किस रियासत का शासक थे, तो अजीत सिंह लाडवा रियासत के शासक थे। हरियाणा में सन 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई, तो आई थिंक ये सबको पता होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अम्बाड़ा छावनी से। 1857 के आंदोलन में किस आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहां का कलेक्टर था, तो कहां का कलेक्टर था, गुरुग्राम का, गुड़गांव भी कहते हैं। किस स्थान के हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के शासकों ने 1857 ईस्वी में बगावत प्रारंभ की थी, तो हिसार, सिरसा, असी, इन सभी के यहां से बगावत प्रारंभ हुई थी। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था, तो कौन सा शासक था, नारसिंह जी को फांसी दे दी गई थी दिल्ली में, तो इन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के भाग लिया था।
फरूकनगर के नवाब जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया, तो वो कौन से थे? नवाब अहमद अली खां। नवाब अहमद अली खां फरूकनगर के नवाब थे। तो सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र से अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो नारनौल रेवाड़ी से राव तुलाराम ने अंग्रेजों का सामना किया था। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? तो रोहतक, गुड़गांव, हिसार, गुरुग्राम, हिसार, इन सभी जिलों का योगदान रहा था। 1857 की क्रांति के समय पानीपत के थानेश्वर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? इमाम अली कलंदर पानीपत के थानेश्वर से। 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्व को उनके क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। तो पानीपत का अभी हमने पढ़ा है, इमाम अली कलंदर, रोहतक से विरासत अली, हिसार से मोहम्मद आजिम और अंबाला से मोहन सिंह। तो ये चारों बिल्कुल सामने ही लिखे हुए हैं, इन्होंने ही किया था। सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण था, पराजय के कारण क्या था? ये सभी पराजय के कारण थे, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, शास्त्रों का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, नेतृत्व का अभाव, तो ये सारे कारण थे। हरियाणा को किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया था? तो हमारा ये जो 1858 का चार्टर एक्ट था, इसके अंतर्गत पंजाब में मिला दिया गया था। 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था? तो झज्जर के नवाब थे नवाब अब्दुल रहमान खां। सुमेलित करने हैं, ये रियासत और प्रशासक दे रखे हैं। तो बल्लभगढ़ के प्रशासक कौन थे? नाहर सिंह। झज्जर के अब्दुल रहमान खां, रानिया के नूर समद खां और रिवाड़ी के तुलाराम। निम्नलिखित में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को सहयोग दिया था? तो जींद ने अंग्रेजों को सहयोग दिया था। 1857 की क्रांति में किस रियासत अंग्रेजों का समर्थन किया था? तो लुआरू जो रियासत थी उसने भी अंग्रेजों का समर्थन किया था। 1988 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो लाला लाजपत राय जी ने हिसार का प्रतिनिधित्व किया था। चलो आगे, सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में किस नेता ने हिसार से प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था? तो लाला लाजपत राय जी ने भाग लिया था। हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय के राजनीतिक तथा साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों का स्थल था? तो कौन सा था? हिसार। रोल्ट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी को हरियाणा के कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो कहां से गिरफ्तार किया गया था? पलवल से। 6 अप्रैल 1919 को रोल्ट एक्ट के विरोध में किस जिले की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? किस जिले में हुई थी? रोहतक में। 1919 6 अप्रैल को रोहतक में बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रोल्ट एक्ट का विरोध कहां हुआ था? अंबाला में। रोल्ट एक्ट का सर्वप्रथम विरोध अंबाला में हुआ था। ऐसे योग आंदोलन के समय हरियाणा में पानीपत में अक्टूबर 1920 को पहली सभा हुई जिसका आयोजन किया लाला लाजपत राय जी ने। ऐसे योग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? तो कौन थे? लाला लाजपत राय जी हरियाणा के प्रमुख नेता थे। ऐसे योग आंदोलन के दौरान हरियाणा ने किससे राय बहादुरी की पद छोड़ा? तो हरियाणा में किसने राय बहादुरी का पद छोड़ा? तो वो थे लाला मुरलीधर जी ने राय बहादुरी का पद छोड़ा था। निम्नलिखित में से प्रथम
विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना ने हरियाणा के सैन्य भर्ती का विरोध किया, हरियाणा से सैन्य भर्ती का विरोध किया नेकी राम शर्मा जी ने हरियाणा से सैन्य भर्ती का विरोध किया था। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? तो आई थिंक सभी को पता है पंजाब प्रांत का भाग था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर से मित्रता की और अपने सैनिकों भेजकर दिल्ली की गद्दी अंग्रेजों से मुक्त कराने में सहायता की? तो कौन थे वो? नारसिंह थे। और 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया था? तो अब्दुल रहमान खां को 23 अक्टूबर 1857 को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों से किस स्थान पर हुआ था? तो नसीरपुर से राव तुलाराम का सामना हुआ था अंग्रेजों से। जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? छोटू राम चौधरी ने जमींदारी लीग की स्थापना की थी। हरियाणा क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश के किस स्थान से पुकारा जाता है? उन्हें प्रदेश के किस स्थान से पुकारा जाता है? जमींदार लीग से पुकारा जाता है। ये आपको यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो हम थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, हमारे थर्ड चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य है तो हरियाणा राज्य कौन सा है? हरियाणा राज्य उत्तर पश्चिमी राज्य है। उसके बाद में हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो किस क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी राज्य है, तो उत्तर पश्चिम में स्थित होगा। अब उसके बाद हरियाणा एक लैंडलॉक राज्य है जो निम्न अक्षांशों के बीच में स्थित है। तो किस किस के बीच में स्थित है? 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट 5 सेकंड के बीच में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही है? तो हरियाणा राज्य 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से 37.35 पूर्व देशांतर में पर स्थित है। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिणी भाग में आती हैं। तो केवल ए सही है जो कि ये वाला है। तो नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो हम इसको याद रख सकते हैं, पहले 4 और 4 फिर 2 और लास्ट में 2 और फिर 1। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से हरियाणा भारत में 21वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 21वें स्थान। हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो कितने राज्य की सीमा लगती है? 5 राज्य की। हरियाणा के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है, तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन स्थित है? राजस्थान। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? तो हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? वो है उत्तर प्रदेश। हरियाणा की सीमा निम्न में से किस राज्य से सर्वाधिक जुड़ी हुई है? तो सर्वाधिक राजस्थान से जुड़ी हुई है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो मैदानी भाग जो हरियाणा का वो सबसे बड़ा है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन पंचकूला है। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की कौन सी नदी निकलती है? तो मारकंडा, घग्गर, टांगरी, ये सभी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है, केवल छोड़कर। किसको छोड़कर? यमुना को छोड़कर। मोरनी पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो मोरनी पहाड़ी आई थिंक सबको पता होगा, पंचकुला में स्थित है। प्रदेश में बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में पुकारा जाता है नेली और बेट पुकारा जाता है। तो शाम की पहाड़ी स्थित है भिवानी में। इंदौरी पहाड़ी स्थित है
मेवात जिले में इंदौरी पहाड़ी स्थित है। हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है? महेंद्रगढ़। निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्ष्य है? तो कौन सा है बताओ आप सभी। ये सभी जो है वो भौगोलिक लक्ष्य है। यमुना घग्गर मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग बनाना, उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियां, दक्षिण में अरावली की पहाड़ियां है, तो ये सभी है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला है? तो हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला है? कुरुक्षेत्र। हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला रेतीला है। बटियाना पर प्राचीन काल में किसका बहुल्य था? तो किसका था? राजपूत का बहुल्य था। तो ये आपको आंसर्स दिए गए हैं यहाँ पे इस चैप्टर के, आप देख सकते हैं। हरियाणा की जलवायु उपोषण कीटबंधीय शुष्क महाद्वीप है, जिसका प्रमुख कारण है, किसका प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र से दूर होने के कारण। हरियाणा के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उपोषण आर्द्र जलवायु। हरियाणा का जलवायु कहाँ, हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है? क्या कही जा सकती है हरियाणा की जलवायु? आर्द्र तथा अर्ध मरुस्थलीय के बीच की जलवायु, ऑप्शन सी। हरियाणा की जलवायु की विशेषता है, हरियाणा की जलवायु की विशेषता है ग्रीष्म काल में ऊंचा तापमान, वाष्पीकरण की अधिकता, तो ये ए और बी दोनों है। हरियाणा की जलवायु की निम्नलिखित विशेषताओं में शामिल है, तो निम्नलिखित विशेषताओं में क्या शामिल है? ये सभी चीज शामिल है। ग्रीष्म काल की वर्षा का अभाव, अधिक तापमान, शीतकाल में निम्न तापमान। हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? तो मुख्य रूप से हरियाणा में कैसी जलवायु पाई जाती है? ए और बी दोनों, उपोषण स्टेपी जलवायु और आर्द्र उपोषण जलवायु, ये दोनों पाई जाती हैं। डॉक्टर बलादिमीर के जलवायु विभाजन में किस जलवायु को स्थान नहीं मिला है? तो ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु को। डॉक्टर बलादिमीर कोपेन ने हरियाणा में कितनी जलवायु का उल्लेख किया है? तो उन्होंने दो जलवायु का उल्लेख किया है। हरियाणा में ग्रीष्म काल की अवधि कब से कब तक होती है? तो कब से कब तक होती है? मध्य मार्च से जून तक। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा गर्म जिला हरियाणा में हिसार है। हरियाणा में ग्रीष्म काल के दौरान लू पवन क्षेत्र के जिलों में चलती है। तो किस क्षेत्रों में चलती है? दक्षिणी पश्चिमी जिलों में। तो दक्षिणी पश्चिमी जिलों में लू चलती है। हरियाणा में जुलाई के मध्य सितंबर तक कौन सी ऋतु पाई जाती है? तो वर्षा ऋतु मध्य सितंबर, मतलब जुलाई से मध्य सितंबर तक पाई जाती है। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक वितरण औसतन कितना है? तो औसतन कितना है? 40 से 60 सेंटीमीटर। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन द्वारा वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? तो किस ऋतु में वर्षा होती है? शीत ऋतु में। हरियाणा के पश्चिम विक्षोभों के होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मावठ।
हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी जिलों में होती है। हरियाणा के किस भाग में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है? तो कौन सा भाग है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिमी भाग है। हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यमुना के छछरौली में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। हरियाणा में शीतकाल सामान्यतः कब से कब तक रहता है? तो मध्य सितंबर से मार्च तक रहता है। हरियाणा में शीतकाल का औसतन तापमान कितना है? तो औसतन तापमान कितना है? 12 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है? तो जनवरी हरियाणा में सबसे ठंडा महीना होता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन है? हरियाणा दोनों ही मानसूनों वर्षाओं का पूरा लाभ उठा पाता है। ये बात तो ठीक है, आपको लगता है ये बात ठीक है? बिल्कुल नहीं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः आर्द्र है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में औसतन तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड रहता है। तो एक्चुअली इनमें से कोई भी नहीं है, ये तीनों झूठ हैं, असत्य हैं। हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदाएं पाई जाती है? तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में। हरियाणा में मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा। हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र है? तो महेंद्रगढ़ हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र है। किस मृदा में दालों की अच्छी कृषि की जा सकती है या की जाती है? अति हल्की मृदा में दालों की अच्छी खेती की जाती है। किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? तो हल्की मृदा को रोसली भी कहा जाता है। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा? दोमट मृदा। भारी मृदा किस फसल के लिए उत्तम मानी जाती है? तो भारी जो मिट्टी है वो चावल, मोटे अनाज और कपास तीनों के लिए अच्छी मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है। सूची एक और सूची दो दे रखी है। सामान्य भारी मृदा सिल्ट युक्त के लिए अच्छी है। बहुत भारी मृदा याकायुक्त सिल्ट के लिए। मध्यम मृदा सुप्रवाहित व उपजाऊ के लिए। और हल्की मृदा बालू की प्रधानता के लिए। ये इनसे मैच होने वाले हैं। निम्न में से कौन सी मृदा हरियाणा में घर एवं कंधी कहा जाता है? तो गिरिपादीय मृदाएं। राज्य का कौन सा भाग रेतीला है? तो दक्षिणी भाग राज्य का रेतीला है। केंद्रीय मृदा लवणता अधून अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहां स्थित है? तो मृदा लवणता अनुसंधान जो संस्थान है वो हरियाणा के करनाल में स्थित है। आपको यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं, अगर किसी में कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को। हरियाणा में सदा बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो यमुना सदा बहने वाली नदी है। हरियाणा में कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा कौन सी नदी बनावा है? यमुना बनावा है। यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती? तो अंबाला को वो नहीं छूती। यमुनानगर, करनाल और पानीपत को यमुना नदी छूती है। अमरकाव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी अर्नक तीर्थ किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। आदिबद्रा का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? आदिबद्रा जी का जो संबंध है वो सरस्वती नदी से माना जाता है। हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं यमुना, घग्गर। यमुना और घग्गर हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। घग्गर नदी है, क्या है घग्गर नदी?
वरित बरसाती नदी है। घगर नदी वरित बरसाती नदी है। घगर नदी हरियाणा के नीमन जिले में से नहीं बहती, तो कैथल से तो बहती है, फतेहाबाद से भी बहती है, तो भिवानी से नहीं बहती, सिरसा से भी बहती है। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, तो मारकंडा नदी टांगरी, जो मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है टांगरी। चेतांग नदी का ऋग्वेदकालीन नाम है, ऋग्वेदकालीन नाम क्या है? दृश्यदवती, दृश्यदवती चेतांग नदी का नाम है। निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं केवल छोड़कर, तो कोटला जो है वो हरियाणा राज्य की नदी नहीं है, घग्गर है, दोहन है और इंदौरी है। अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में से किस झील का उल्लेख किया गया है? तो ब्रह्म सरोवर जो झील है हमारी, उसका उल्लेख किया गया है। बड़कल झील किस जिले में स्थित है? तो बड़कल फरीदाबाद में स्थित है, बड़कल झील फरीदाबाद में स्थित है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो बड़कल झील फरीदाबाद में है, ये सही सुमेलित है, बाकी भिंडवास कुरुक्षेत्र में नहीं है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है, तो ये जो और बाकी हैं वो एक दूसरे से नहीं मिलते। कोटला झील स्थित है, कोटला झील नू में स्थित है। प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक जिले हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो मैदानी क्षेत्र में ये स्थित है। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील है, क्या नाम है? तो कर्ण झील हरियाणा की करनाल की प्रसिद्ध झील है। ब्लू बर्ड झील कहाँ स्थित है? तो ये हिसार में स्थित है, ब्लू बर्ड झील हिसार में। निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? दमदमा, खलीलपुर, कोटला, ये तीनों झील हरियाणा में स्थित है। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है? तो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है पश्चिमी यमुना नहर, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान में यमुना नदी से निकलती है? तो ताजेवाला से यमुना नदी से निकलती है। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले की सिंचाई की जाती है? तो सोनीपत की, करनाल की, रोहतक की, इन तीनों जिलों की सिंचाई की जाती है। बाकड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले की सिंचाई कार्य किया जाता है? किस जिले का सिंचाई कार्य किया जाता है? बाकड़ा नहर द्वारा रोहतक, हिसार, सिरसा का किया जाता है। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकलती है? तो बाकड़ा नहर से ही निकलती है हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर। यमुना नदी में ओखला बैराग से कौन सी नहर निकाली गई है? तो ओखला बैराग से गुड़गांव नहर निकाली गई है, ओखला बैराग से गुड़गांव नहर निकाली गई है। जुई नहर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले की सिंचाई होती है? तो भिवानी की होती है, जुई नहर से। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, अगर आपको किसी को कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है? तो कितना क्षेत्र? 3.59% वन से घिरा हुआ है। 2017 के राज्य वन प्रतिवेदन के अनुसार हरियाणा का दर्ज वन क्षेत्रफल है, तो वन क्षेत्रफल 1588 वर्ग किलोमीटर है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में कुल कितने क्षेत्र वृक्षादन होना चाहिए? वृक्षादन है तो 1415 वर्ग किलोमीटर वृक्षादन है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट 2017 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में वनच्छादन एवं वृक्षाच्छादन है? 6.79%। इंडिया स्टेट फॉरेस्टिक रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग से आरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है? तो 15.9% आरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है। इंडिया स्टेट फॉरेस्टिक रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में
संरक्षित वन क्षेत्र में पाया जाता है तो 74.28% पाया जाता है। हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन विस्तार है तो भिवानी, गुरुग्राम, सोनीपत इन सभी में विस्तृत है। चीड़ एवं पाइन के वृक्ष हरियाणा के किस जिले में मिलते हैं तो पंचकुला और यमुनानगर दोनों में मिलते हैं चीड़ एवं पाइन के वृक्ष। राज्य में यूरोपियन संघ की सहायता से हरियाणा समुदाय की नाम परियोजना कब शुरू की गई थी 1998 और 1999 में समुदाय की ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है तो वृक्षारोपण से संबंधित है, पेड़ों को ना काटने से संबंधित है, बचाने से संबंधित है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्टिक रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है तो 2017 के अनुसार तो पंचकुला में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। इंडिया स्टेट फॉरेस्टिक रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्रफल किस राज्य में पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है इनमें से फतेहाबाद में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्टिक रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है तो पलवल में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। ऊपर प्रतिशत था इसमें क्षेत्र है, ठीक है, तो प्रतिशत फतेहाबाद में और वन क्षेत्र पलवल में कम पाया जाता है। इंडिया फॉरेस्टिक रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है तो सर्वाधिक पंचकुला में पाया जाता है प्रतिशत में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्टिक रिपोर्ट 2017 के अनुसार वह जिला जिसमें अति सघन वृक्ष पाए जाते हैं तो वह जिला कौन सा है, यमुनानगर। हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले तो पंचकुला, यमुनानगर, गुड़गांव और भिवानी। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है तो झज्जर में स्थित है, भिंडवास झज्जर में। निम्न में से किस जिले में कालेसर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है तो कालेसर यमुनानगर में स्थित है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, रेवाड़ी में। नाहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी में। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है तो छिलछिला स्थित है कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, हरियाणा में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, दो। हरियाणा के कालेसर जंगल में कौन सा पेड़ों की अधिकता है तो साल के पेड़ों की अधिकता है कालेसर में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में स्थित है तो सुल्तानपुर कहाँ स्थित है, गुड़गांव में, गुरुग्राम में। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी तो सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना 1971 में की गई थी। सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया, 1972 में। स्थापना कब की गई, 1971 में। घोषित कब किया गया, आरक्षित क्षेत्र 1972 में। डैश के बसंत डैश के बसंतोर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं आधुनिक अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है तो यमुनानगर में। हिरण उगान राज्य के किस जिले में है तो हिरण उगान है इसार में। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले से संबंधित है या अवस्थित है तो कैथल में, सरस्वती कैथल में। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को किस नाम से जाना जाता है तो सोनसर वन से भी जाना जाता है। बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है तो जींद में स्थित है बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य। तो एक दूसरे से मैच करने हैं, अबूसहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, सिरसा में। बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, जींद में। भिंडवासा कहाँ है, झज्जर में। कालेसर कहाँ है, यमुनानगर में, ठीक है। गिद्ध संरक्षण वे प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है तो पिंजौर में है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है तो
गीत संग्रहण तो पंचकुला में ठीक है, मगरमच्छ कुरुक्षेत्र में चिंकारा भिवानी में ठीक है, और ये फिशेंट प्रजनन केंद्र यमुनानगर में नहीं है, तो ये गलत है ठीक है। ओके, राज्य में रेड जंगल फाउंड प्रजनन केंद्र स्थित है, तो पिंजौर में रेड जंगल फाउंड फाउल स्थित है, तो ये एक दूसरे से मैच करने हैं। फिशेंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, मोरनी में। रेड जंगल फाउंड कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, पिंजौर में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, वो स्थित है बोर सैदान में, और चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो वन्य नार वन्य जीव अभ्यारण तो रिवाड़ी में ही है, कालेसर यमुनानगर में है, भिंडवास जज्जर में है, और बीर शिकारगढ़ कुरुक्षेत्र में नहीं है ठीक है, बीर शिकारगढ़ कुरुक्षेत्र में नहीं है। तो आपको आंसर्स भी दिए गए हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप मैच कर लीजिएगा। हरियाणा की कितनी भूमि कृषि योग्य है, तो कृषि योग्य 81% भूमि है। पहली कृषि संगणना हुई, तो पहली कृषि संगणना 1970-71 में हुई थी। डेस के उत्थान में हरियाणा प्रदेश मुख्य भागीदार था, तो हरित क्रांति के। गेहूं उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है, तो गेहूं उत्पादन में राज्य का चौथा स्थान है, चतुर्थ स्थान है। हरियाणा के किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो हरियाणा में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। हरियाणा का प्रथम अनाज बैंक कहाँ है, हरियाणा का प्रथम अनाज बैंक कहाँ है, पानीपत में। कपास उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है, कौन सा जिला अग्रणीय है कपास उत्पादन में, सिरसा। महेंद्रगढ़ जिला किस फसल के उत्पादन में हरियाणा राज्य में प्रथम स्थान पर है, तो सरसों के। किस फसल की उपज के लिए जल की कम खपत होती है, तो मक्का। बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध प्रकार हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाता है, तो जिन धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है। गन्ना उत्पादन के में हरियाणा की अग्रणीय जिला कौन सा है, तो यमुनानगर। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र किस फसल की खेती होती है, तो आम की। किस फल की खेती होती है, सॉरी फसल नहीं फल की, तो आम की। खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणीय है, तो सोनीपत। हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती, तो आम की बागवानी महेंद्रगढ़ जिले में नहीं होती, यमुनानगर करनाल और कुरुक्षेत्र में होती है। तो किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है, तो मुर्रा भैंस को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है। हरियाणा में भैंस की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, मुर्रा नस्ल। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म है हिसार में। हरियाणा सरकार के किस तारीख को पशु बीमा योजना शुरू की, तो पशु बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को किया गया था स्टार्ट। हरियाणा सरकार के पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की जज्जर से। जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभिक पशु धन बीमा योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है, तो उद्देश्य क्या है, यह योजना अनुसूचित जाति के पशु पालकों के लिए निशुल्क है, ये भी ठीक है। गाय भैंस सांड और ऊंटों के लिए 100 रूपए के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाएगा या जाएगा, ये भी ठीक। भेड़ बकरी व सुअरों के लिए 25 लाख की प्रीमियम पर 3 वर्ष के लिए अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा, ये भी ठीक है। तो ये सारी चीज है, सभी है उपयुक्त सभी। हरियाणा सरकार द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम निकाय द्वारा प्रशासित किया गया, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के कहां स्थित है, किस जिले में स्थित है, करनाल में। एनडीआरआई मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में किस वर्ष में हुआ था, तो 1955 में हुआ था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉरम फॉर रिसर्च ऑन बेफेलो, तो CIRB स्थित है, कहां पे स्थित है, इसार में। बेफेलो का कहां है, इसार में। तो ये आपको आंसर्स दिए गए हैं, आप अपने आंसर्स यहां से चेक कर सकते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम।
अभ्रक हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो किस जिले में पाया जाता है अभ्रक? गुरुग्राम में। महेंद्रगढ़ में कौन सी खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो चूना पत्थर महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। तांबा भी महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, पर जो मेन चीज है वो है चूना पत्थर। जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो रोहतक में कौन सा पाया जाता है? चूना। रोहतक में चूना। नेक्स्ट, बजरी नामक खनिज हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो फरीदाबाद प्रसिद्ध है। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? महेंद्रगढ़ में। सोना हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? अम्बाड़ा में। कैल्साइट, वर्माकुलाइट तथा संगमरमर कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। टंगस्टन, सीसा एवं जस्ता प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? भिवानी में। टंगस्टन, सीसा, जस्ता भिवानी में। महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो जस्ता नहीं पाया जाता है, लाइमस्टोन और स्लेट पाई जाती है। खनिज संसाधनों में हरियाणा किस जिले की प्रमुखता है? तो ऑब्वियसली महेंद्रगढ़ की प्रमुखता है। तो ये मैच करने हमें चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुरुग्राम में। बजरी कहाँ पाई जाती है? फरीदाबाद में। मैगनीज महेंद्रगढ़ में और चूना पत्थर अम्बाड़ा में। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर बहुतायत मात्रा में स्लेट पाया जाता है? तो रेवाड़ी जिले में कुंड स्थान है एक, जहाँ पे बहुत मात्रा में स्लेट पाया जाता है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्थापना कब की गई थी? तो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967 को की गई थी। हरियाणा पहला राज्य है जिसके 100% प्राप्त की है बिजली पहुंचाने में, पूरे 100% बिजली सबसे पहले पहुंचाई थी हरियाणा ने। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके कार्यकाल में पूरा हुआ था? तो पूरा बंसीलाल जी के कार्यकाल में हुआ था। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 के अंतर्गत राज्य बिजली बोर्ड का विभाजन कितने भागों में किया गया था? तो 2 भागों में। हरियाणा सरकार द्वारा विद्युत विनियंत्रण आयोग की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? वर्ष 1998 में। हरियाणा में विद्युत की सफलतापूर्वक विस्तरण के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो वर्ष 1999 में। हरियाणा राज्य की कौन सी प्रथम विद्युत परियोजना को निजी कंपनियों द्वारा किया गया है? तो दीन बंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना को निजी कंपनियों के द्वारा किया गया है। हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है? तो स्थित कहाँ पे है? हिसार में। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो 1200 मेगावाट का है वो कहाँ है? हिसार में। निम्नलिखित में से किस तापीय विद्युत गृह को निर्माण रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा किया गया है? तो राजीव गांधी तापीय विद्युत गृह को रिलायंस द्वारा। इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो बताइए 1500 मेगावाट है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 1320 वोट है। तो इंदिरा गांधी की ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 180 ज्यादा है। महात्मा गांधी की 1320 और इंदिरा गांधी की 1500 मेगावाट। ककरोई सूक्ष्म विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो किस नहर पर बनी है? पश्चिमी यमुना नहर पर। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत योजना पश्चिमी यमुना नहर। ककरोई सूक्ष्म विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो क्षमता है 1000 किलोवाट। आपस में मैच करने हैं। दीन बंधु कहाँ पे है? यमुना नगर में। राजीव गांधी तापीय कहाँ है? हिसार में। और इंदिरा गांधी तापीय कहाँ है? झज्जर में। हरियाणा के प्रस्तावित गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना का स्थल कहाँ है? तो फतेहाबाद में है।
हरियाणा में प्रस्तावित जो है गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना का स्थल फतेहाबाद में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थित है? तो ये आई थिंक सबको पता होगा, गुरुग्राम में स्थित है। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ऊर्जा पार्क किस जिले में स्थित है? तो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ऊर्जा पार्क कुरुक्षेत्र में स्थित है। सर छोटूराम ईस्ट स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? मुरथल में, सोनीपत में। सर छोटूराम स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऊर्जा पार्क। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? हिसार में। ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर कहाँ है? हिसार में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। हरियाणा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रूरल मैनेजमेंट ऊर्जा पार्क, तो ये कहाँ है? कैथल में। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रूरल मैनेजमेंट ऊर्जा पार्क कैथल में। एमएल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऊर्जा पार्क यमुनानगर में। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं क्वेश्चंस के, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप यहाँ से आंसर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बताइए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल का प्रसिद्ध। हरियाणा किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो किसके उत्पादन में हरियाणा प्रथम स्थान पर है? ट्रैक्टर के उत्पादन में। गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में से किसका निर्माण हुआ है? तो सबसे प्राचीन में कार का। मारुति सुजुकी का पहला कारखाना भारत में कहां लगाया गया था? तो गुरुग्राम में लगाया गया था। सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने हरियाणा के किस जिले में अपना सर्विस सेंटर स्थापित किया है? तो गुरुग्राम में किया है। कहां किया है IBM ने? गुरुग्राम में। निम्न में से हरियाणा का कौन सा बोर्ड खादी उद्योगों के विकास में सहायता करता है? तो हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड है जो कि सहायता करता है। हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1969 में। 1969 में। बिल्ट पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है। यह हरियाणा के कहां स्थित है? यह हरियाणा के यमुना नगर में स्थित है। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती सुगर मिल स्थित है? यमुना नगर में। हरियाणा और कौन सा शहर टेक्सटाइल कपड़ा एवं कारपेट के लिए प्रसिद्ध है, जिसके बुनकरों का शहर भी कहा जाता है? तो ये सबको पता होगा, पानीपत को। हरियाणा के किस स्थान पर वर्ष 1993 में नेस्ले इंडिया की उत्पादन इकाई स्थापित की गई? तो कहां पे की गई थी नेस्ले की? समालखा में। वैज्ञानिक उपकरणों के अत्यधिक उत्पादन के कारण कौन सा शहर साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है? तो अम्बाड़ा शहर है वो साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। सोनीपत शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनीपत शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताइए आप लोग। वेरी गुड, साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, अभी भी है। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग स्थित है? सोनीपत में। निम्नलिखित में से किसे गोल्ड सिटी, स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण नगरी को जो जाना जाता है वो किस नगरी के नगरी को जाना जाता है? सोनीपत को। सोनीपत को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरियाणा के खनिज बंगुर के रूप में किसे जाना जाता है? तो खनिज बंगुर एक्चुअली एक ही हो सकता है, कौन सा? महेंद्रगढ़। हरियाणा के रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो रेवाड़ी जिला पीतल के बर्तन के उद्योग के लिए, तिल्ला जूता उद्योग, हीरो होंडा मोटरसाइकिल, तीनों के लिए प्रसिद्ध है, उपयुक्त सभी आएगा इसमें। चीनी उद्योग किस स्थान पर अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो चीनी उद्योग शाहबाद का चीनी उद्योग प्रसिद्ध है। हरियाणा की लिबर्टी जूतों का कहां बनते हैं? तो लिबर्टी जूते करनाल में बनाए जाते हैं। कहां बनाए जाते हैं? करनाल में। हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण कहां होता है? तो हिसार में होता है, जिंदल फैक्ट्री है हिसार में।
पंचकुला प्रसिद्ध है। पंचकुला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। हरियाणा के किस स्थान पर स्टेशनरी उद्योग विकसित हुआ है? तो किस स्थान पर स्टेशनरी उद्योग विकसित हुआ है? वेरी गुड, बहादुरगढ़ में। हिंदुस्तान मशीन टूल HMT किस नगर में स्थित? पिंजौर में, पंचकुला, HMT पंचकुला। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री अवस्थित है? तो रबड़ टायर अवस्थित है, ट्रैक्टर भी, रेफ्रिजरेटर भी, ये तीनों उपस्थित है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। लेदर गारमेंट्स पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? कहाँ अवस्थित है? तो बहादुरगढ़ में लेदर गारमेंट पार्क अवस्थित है। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? नई औद्योगिक नीति 1 जनवरी 2011 को घोषित की गई थी। आपके पास ये आंसर्स हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप आंसर चेक कर सकते हैं। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले में है? तो भिवानी में थी। हरियाणा में चालक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो पंचकुला में। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल कितनी लंबाई है? तो 3097 किलोमीटर। फरीदाबाद से निकलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसमें बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा रास्ते आते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 था। दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? तो दिल्ली जयपुर। बहादुरगढ़ नगर किस राजमार्ग पर स्थित है? तो NH10। अब तो इनका शायद नाम बदल दिया गया है, तो आप वो एक बारी चेक कर लेना। कालसा नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो कालका नगर NH22 पे स्थित है। कालका एवं पिंजौर से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो NH22। कैथल से निकट मुख्य राजमार्ग है, कैथल से निकट कौन सा है? NH65। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर नहीं जाता? तो NH5 हरियाणा से होकर नहीं जाता। हरियाणा का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा है राजकीय राजमार्ग 6A। हरियाणा का सबसे बड़ा राज्य राजमार्ग कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे बड़ा है राजकीय राजमार्ग 12। हरियाणा का कौन सा राजकीय राजमार्ग सूर्यवाला चौक से फतेहाबाद तक जाता है? तो कौन सा है? राजकीय राजमार्ग 2। उत्तरी परिधीय रोड समानता किस नाम से जाना जाता है? द्वारिका एक्सप्रेसवे। एशिया का सबसे बड़ा 32 लेन वाला टोल प्लाजा किस एक्सप्रेसवे पर स्थित है? तो द्वारिका एक्सप्रेसवे पर। केएमपी का पूरा नाम कुंडली मानेसर पलवल। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी? तो दिल्ली से रेवाड़ी चली थी सर्वप्रथम रेलगाड़ी। हरियाणा की पहली रेलवे लाइन किस किस के बीच बिछी थी? तो दिल्ली रेवाड़ी के बीच ही बिछी थी। हरियाणा में सबसे बड़ा एवं पुराना रेलवे स्टेशन जंक्शन कहाँ है? तो सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेवाड़ी के अंदर है। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? तो रेलवे का वर्कशॉप कहाँ है? यमुनानगर में। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें रेलवे लाइन ही नहीं है? तो मेवात ऐसा जिला है जहाँ पे रेलवे लाइन ही नहीं है। किस शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है? नू में। पहली CNG डेमू ट्रेन हरियाणा में कहां से कहां तक चलाई गई थी? रेवाड़ी से रोहतक, CNG डेमू ट्रेन। फरुखनगर तक रेलवे लाइन बिछानी का उद्देश्य था नमक ले जाने के लिए। कौन सा शहर बठिंडा रिवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है? तो भिवानी, बठिंडा, रिवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है, इन तीनों में से। हरियाणा में किस शहर में सबसे पहले मेट्रो पहुंची? तो गुरुग्राम में। हरियाणा में कुल कितने सिविल एविएशन एयरपोर्ट हैं? तो कितने हैं पांच। हरियाणा में असैनिक हवाई अड्डे स्थित है, कहाँ स्थित है? असैनिक हवाई अड्डे करनाल के अंदर भी है, जींद करनाल भी है और हिसार के अंदर भी है, जींद करनाल, इन तीनों जगह पे है। हरियाणा का सबसे प्राचीन आकाशवाणी केंद्र निम्नलिखित में
कौन सा है? तो सबसे प्राचीन हरियाणा का है रोहतक आकाशवाणी केंद्र। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र जिला हिसार में स्थित है। 1889 ईस्वी में जाट समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो प्रकाशन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? बाबू कन्हैया लाल सिंह के द्वारा, बाबू कन्हैया लाल सिंह के द्वारा। संदेश समाचार पत्र की शुरुआत किसने की? तो संदेश समाचार पत्र की शुरुआत वो नेकीराम शर्मा जी ने की थी। लाला हरदेव साहे ने सेवक नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ किया था? तो सेवक का जो प्रकाशन था वो 1941 में किया गया था। ज्ञानोदय का प्रकाशन प्रारंभ किया गया, तो ज्ञानोदय का जो प्रकाशन है वो ब्रह्मानंद द्वारा किया गया था। हरियाणा के लोक संपर्क विभाग द्वारा कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था? तो वो कौन सा समाचार पत्र था? हरियाणा संवाद। हरियाणा के किस शहर को सूचना प्रौद्योगिकी की प्रसिद्धि के कारण साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो साइबर सिटी कौन सी? अपनी गुरुग्राम, गुड़गांव। हरियाणवी सिनेमा इतिहास की पहली फिल्म कौन सी थी? तो कौन सी थी? हरफुल जाट जुलानी, हरफुल जाट जुलानी पहली फिल्म थी। सर्वाधिक हरियाणा फिल्मों के निर्माता हैं, तो सर्वाधिक हरियाणा फिल्मों के निर्माता देवी शंकर प्रभाकर हैं। सर्वाधिक हरियाणा फिल्मों के निर्देशक हैं, तो सर्वाधिक हरियाणा फिल्मों के जो निर्देशक हैं वो है जयंत प्रभाकर। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष गई हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो वो रोहतक से, सुभाष गई रोहतक से संबंधित है। सुमेलित कीजिए, सुभाष गई का सुभाष गई क्या है वो सुमेलित करना है, अभी बताओ जल्दी। फिल्म निर्माता है रचना शर्मा, गायक है और पूजा बत्रा अभिनय करती हैं, और केपी कौशिक संगीतकार हैं। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किसकी जन्मस्थली हरियाणा है? तो किसकी जन्मस्थली हरियाणा है? सोनू निगम भी हरियाणा से ही हैं, मलिका सहरावत भी हरियाणा से ही हैं, रणदीप हुड्डा भी हमारे हरियाणा से ही हैं। तो ये सभी जो हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। निम्न में से कौन हरियाणा से संबंधित नहीं है? तो पूजा बत्रा हरियाणा से संबंधित है, जूही चावला भी हरियाणा से संबंधित है, रचना शर्मा भी जो हरियाणा से संबंधित है, पर हेमा मालिनी हरियाणा से संबंधित नहीं है। तो ये आपको आंसर्स दिए गए हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप चेक कर सकते हैं। निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? तो आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी, इन तीनों ने ही जो पंजाब विभाजन का विरोध किया था, इन तीनों ने ही पंजाब विभाजन का विरोध किया था। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? तो आप सभी को पता है पंजाब का भाग था। हरियाणा में सर्चर फॉर्मूला कब लागू किया गया था? तो सर्चर फॉर्मूला जो है वो 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया था हरियाणा के अंदर। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट थी वो सन 1956 में प्रस्तुत की गई थी। वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा की थी? तो वो कौन थे? वो थे फतेह सिंह। फतेह सिंह ने सन 1965 में पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा की थी। उकम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया? तो कब बनाया गया था? 23 अप्रैल 1966 को बनाया गया था। जेसी शाह की अध्यक्षता में गठित पंजाब सीमा आयोग कुल कितने सदस्य थे? तो पंजाब सीमा आयोग में कुल 3 सदस्य थे।
जेसी शाह की अध्यक्षता के भारत सरकार द्वारा 1966 में किसकी अध्यक्षता में पंजाब में से हरियाणा एक नया राज्य बनाने का मांग निर्धारित करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, तो किसकी, उसमें जस्टिस जेसी शाह। तो हरियाणा को पूर्व राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा में कितने जिले हैं? 22। सर्वप्रथम पंजाब से पृथक कर हरियाणा राज्य के गठन की मांग किसके द्वारा उठाई गई थी? तो किसके द्वारा उठाई गई थी? पीर ज़ादा मोहम्मद हुसैन। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम पृथक हरियाणा राज्य की आधिकारिक मांग किसने उठाई थी? तारा सिंह ने। हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्राचीन ग्रंथ में किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है। ग्रंथ हरश्चरित में हरियाणा राज्य को क्या कहा गया है? हरियाणा राज्य को क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद कहा गया है। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो यहां से आप आंसर्स देख सकते हैं, अपने मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हरियाणा विधानसभा के कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो विधानसभा के 90 होते हैं। हरियाणा की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे सन्नो देवी। हरियाणा राज्य से संसद के निम्न सदन के लिए कितने सदस्यों की संख्या आवंटित है? तो लोकसभा के लिए 10 की और राज्यसभा के लिए कितने की है? राज्यसभा के लिए 5 की। हरियाणा में लोकसभा से अनुसूचित वर्ग के लिए कितने आरक्षित हैं? 2। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो सिरसा, अंबाला, ए और बी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कोई नहीं है इनमें से। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? तो गुरुगांव की जो सीट है वो सामान्य में आती है। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए? तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर जी बनाए गए। धर्मवीर जो हरियाणा के राज्य के पहले राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिनों तक का रहा? लगभग 10 महीने तक का रहा। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो किसका रहा है? वीरेंद्र नारायण जी का, वीएन चक्रवर्ती जिन्हें हम कहते हैं। हरियाणा के राज्यपाल श्री हरचरण सिंह बराड़ का कार्यकाल था 1977 से 1979 तक। बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर आसीन थे? तो राज्यपाल पर, बाबू परमानंद राज्यपाल थे। कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल थे? 16वें नंबर के राज्यपाल थे। निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो जय सुखपाल, जी डी तापसे, दानिकलाल मंडल, राव वीरेंद्र सिंह। तो राव वीरेंद्र सिंह राज्यपाल नहीं रहे हैं। हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो प्रथम बार राष्ट्रपति जो शासन है वो लागू किया गया था नवंबर 1966 के अंदर। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था दूसरी बार? 21 नवंबर 1966, 1 मई 1977, 6 अप्रैल 1991, इनमें से कोई नहीं। कब लागू किया गया था? 23 अप्रैल 1977 के अंदर। उसके बाद में हरियाणा में निम्न में से मुख्यमंत्रियों का कालानुक्रमिक क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हमारे 4 नंबर के भजनलाल जी बने, उसके बाद में बंसीलाल जी बने, उसके बाद में देवीलाल जी और उसके बाद में बीडी गुप्ता। अब कौन है? मनोहरलाल खट्टर। श्री ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में
कार्य किया है, कितनी बार कार्य किया है, मतलब कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 3 बार से अधिक बार मुख्यमंत्री बने हैं। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? तो 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। निम्न में से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं था? तो श्री बीडी गुप्ता, बीडी शर्मा, श्री उकम सिंह, श्री बंसी सिंह। तो बंसी सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो बाबू परमानंद जी नहीं रहे हैं, बीडी गुप्ता, देवीलाल और उकम सिंह रहे हैं। उसके बाद में निम्न में से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे, तो नहीं थे कौन? नहीं थे बनारसी दास गुप्ता थे, जेडी तापसे नहीं थे, और उकम सिंह और रविंद्र सिंह तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे, और जेडी तापसे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहां पर संचालित है? तो चंडीगढ़ में है। हरियाणा एवं पंजाब एवं हरियाणा में उच्च न्यायालय का नामकरण कब हुआ था? तो 1966 में नामकरण हुआ था, पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय का नामकरण 1966 में। राज्य में फौजदारी मामले की सुनवाई किस न्यायालय में होती है? तो फौजदारी मामले की सुनवाई सेशन न्यायालय में होती है। हरियाणा के किस जिले में मोबाइल कोर्ट की सर्वप्रथम स्थापना की गई थी? तो मेवात में मोबाइल कोर्ट की सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। हरियाणा में निम्न किस जिले में पर्यावरण न्यायालय है? तो पर्यावरण न्यायालय है फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा के किस जिले में पारिवारिक न्यायालय स्थित नहीं है? पारिवारिक न्यायालय स्थित अम्बाड़ा में नहीं है, हिसार, गुड़गांव और गुरुग्राम दो बार लिखा हुआ है इन्होंने, तो इन दोनों में है, अम्बाड़ा में नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा का उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये तो अभी अलग होंगे, उस टाइम पे अलग थे, तो ये बड़ा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे अभी। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है? तो सर्वाधिक ग्राम पंचायत गुरुग्राम में है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 22 अप्रैल 1994 को लागू किया गया था। जिला परिषद का सदस्य कौन नहीं होता? तो पंचायत समिति के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो जिला परिषद का सदस्य नहीं होते। विकास एवं पंचायत निदेशालय का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? संयुक्त सचिव। सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? सभी का 5 वर्ष का। पंचायती राज एवं संस्थाएं कितने विषय से संबंधित कार्य करती हैं? तो 29 विषय से संबंधित कार्य करती हैं। हरियाणा में नगर पालिका समिति के गठन के लिए कितनी जनसंख्या आवश्यक होती है? तो कितनी होती है? 50,000। हरियाणा में कितने नगर निगम की स्थापना की गई है? 10। हरियाणा में नगरीय प्रशासन किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो ये 74वे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो ये आपको आंसर्स दे रखे हैं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो तो आप आंसर्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। हरियाणा में मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो अम्बाड़ा में। मांझी साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में स्थित है, मांझी साहिब गुरुद्वारा। तो वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अम्बाड़ा वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर है। हरियाणा के हृदय के रूप में किस जिले को जाना जाता है? जींद को। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है? तो लिबर्टी जूतों का जो निर्यात है वो विदेशों में भी किया जाता है करनाल जिले के। करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? तो कल्पना चावला जी के नाम से प्रस्तावित है। हरियाणा में लोहे के पाइप सर्वाधिक कहाँ निर्माण किए जाते हैं? तो हिसार के अंदर। हाउजरी उद्योग प्रमुख रूप से किस जिले में है? जो कहाँ पे है ये? हाउजरी रोहतक के अंदर। ताजमहल प्रसिद्ध पर्यटन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो महेंद्रगढ़ में भी एक जलमहल है, ताजमहल बोल रहा हूँ, जलमहल हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्थित है। तो महेंद्रगढ़ जिला किस वस्तु के उत्पादन के
उत्पादन में हरियाणा राज्य का प्रथम स्थान पर है सरसों में, महेंद्रगढ़ राज्य सरसों में। माता शीतला जी का प्रसिद्ध जो प्राचीन मंदिर है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, अवस्थित है। सोलर सिटी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को। निम्नलिखित में से किस झील पर विदेशी पर्यटकों अधिक संख्या में आते हैं? तो बड़कल झील जो है उस पे अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं विदेशों से। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? रबड़ की भी फैक्ट्री है, ट्रैक्टर भी की और रेफ्रिजरेटर की भी, तीनों फैक्ट्री है। हरियाणा के सर्वोच्च चोटी क्रो कहाँ अवस्थित है? तो वो पंचकुला में अवस्थित है। पंचकुला प्रसिद्ध है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लाट की मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो लाट की मस्जिद कहाँ पे है? फतेहाबाद में। लाट की मस्जिद फतेहाबाद में। गुरुद्वारों का शहर हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? तो गुरुद्वारों का शहर कैथल को कहा जाता है। 51 शक्तिपीठ में से भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पर स्थित है? तो ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा के किस जिले में शहीदों का शहर कहा जाता है? तो हरियाणा के झज्जर जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है। हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर है? पानीपत। उन उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो उन उद्योग के लिए पानीपत प्रसिद्ध है। यूरिया संरक्षण कौन से जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में यूरिया संरक्षण पानीपत में स्थित है। राज्य के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर है? तो परिसर किस कंपनी का पेट्रोलियम है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। रिवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो कुंड में स्लेट पत्थर पाया जाता है। हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत के निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेवाड़ी जिला पीतल के बर्तन के उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, तिला जूती उद्योग और हीरो होंडा मोटरसाइकिल तीनों के लिए प्रसिद्ध है। सरस्वती चीनी मिल स्थित है, यमुनानगर में सरस्वती चीनी मिल स्थित है। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग स्थापित था? तो वो था सोनीपत के अंदर। चरखी दादरी व सूरजपुर का प्रमुख उद्योग किसका है? तो सीमेंट का है। चरखी दादरी व सूरजपुर का प्रमुख उद्योग सीमेंट है। तो ये आपको इस चैप्टर के आंसर्स दे रखे हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। 2011 के अनुसार जनगणना कुल कितनी संख्या थी हरियाणा में? 253,51,462। तो हमें इसे याद कैसे करना है वो एक बारी देख लेते हैं। तो देखो, दो के बाद में 53 है, 53 के बाद में 51 है। 51 और 53 का जो डिफरेंस है ना वो दो का है, वही दो आगे उठा के लिख दिया हमने। तो 53 और फिर 51, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या आएगी, यहाँ पे छोटी वाली संख्या है, इसको आप मत देखना, ठीक है? बड़ी वाली संख्या आप लोगों को ध्यान रखनी है, 253,51 और लास्ट में 462 है, 462। तो ये 462 इतना जरूरी भी नहीं है क्योंकि 100 के अंदर तो नहीं देंगे वो, यहाँ पे ही प्लस माइनस करके कुछ ऑप्शंस में देंगे, तो ये चीज ध्यान रखना आप। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो 18वां स्थान है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार हरियाणा की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो दशकीय वृद्धि दर हरियाणा की 19.90% है। जनगणना के अनुसार हरियाणा की दशकीय वृद्धि दर 19.90 है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की संख्या वृद्ध दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक किस जिले की है वृद्धि दर? गुरुग्राम की। पांच वर्ष 2011 की जनगणना, सॉरी वर्ष फिफ्थ तो क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की संख्या वृद्धि दर न्यूनतम है? तो सर्वाधिक तो हुई गुरुग्राम में और न्यूनतम होगी झज्जर के अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का घनत्व कितना है? 573। हरियाणा का जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वोच्च घनत्व वाला है? तो वो फरीदाबाद है। कौन सा है? फरीदाबाद। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है फरीदाबाद में।
जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला सबसे कम घनत्व वाला है। तो सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है? सिरसा। सबसे कम घनत्व वाला जिला है सिरसा, ठीक है। उसके बाद में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? 7879879। तो आप इसे कैसे याद करोगे? बीच में हमने 7 रखा, उसके आगे 8, पीछे 9, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, अब तो अच्छा हो गया है, पहले बहुत कम था। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात राज्य किस जिले में है? तो सर्वाधिक मेवात में है, लिंग अनुपात सर्वाधिक मेवात में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा था? गुरुग्राम। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो साक्षरता प्रतिशत 75.60 है, 75.60% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? महिलाओं की साक्षरता दर है 2011 के अनुसार 65.9%। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्न में से किस जिले में साक्षरता दर न्यूनतम है? तो किस जिले में सबसे कम है साक्षरता दर? मेवात नू में। जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर गुड़गांव के अंदर है, गुड़गांव के अंदर है। हरियाणा के 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्राम्य क्षेत्रों में निवासरत है? तो कितना है? 65.12% ग्रामीण क्षेत्रों में। हरियाणा की कुल जनसंख्या में शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग कितने हैं? 34.88। हरियाणा में वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर कितनी है? ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर 84.10 है। हरियाणा के 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंग अनुपात कितना है? शिशु लिंग अनुपात 832। हरियाणा की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का कितना प्रतिशत भाग सम्मिलित है? अनुसूचित जातियों का 20.02%। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या भारत के अनुसूचित जनजातियों की संख्या के कितने प्रतिशत है? तो 2.5%। हरियाणा में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की साक्षरता वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? रेवाड़ी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में अनुसूचित जातियों का लिंग अनुपात कितना है? तो 887 है। हरियाणा में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों वाला देश अनुसूचित जातियों वाला जिला कौन सा है? सॉरी, जिला कौन सा है? हिसार। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो हरियाणा में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। तो बाकी ये जो आंसर्स हैं, अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से आंसर चेक कर सकते हैं। दिव्य वदान में किस नगर की नगर योजना वर्णित है? तो रोहतक की नगर योजना वर्णित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हरियाणा के कितने स्मारकों को संरक्षित किया गया है? तो 23। नर नारायण गुफा स्थित है, नर नारायण गुफा यमुनानगर में। कर्ण का किला कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है कर्ण का किला? थानेश्वर में। ये बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ये थानेश्वर में है, ठीक है, आप लोग याद रखें कर्ण का किला थानेश्वर में। सोना का किला कहाँ स्थित है? सोना का किला है करनाल के अंदर, सोना का किला करनाल के अंदर। बुढ़िया का रंग महल कहाँ है? अम्बाड़ा में। बुढ़िया का रंग महल कहाँ है? अम्बाड़ा में। किस जिले में गुलाम वंश के शासक रजिया सुल्तान जी का गुम्बंद है? तो ये कैथल के अंदर है। गोपालगिरी का दुर्ग किस शासक द्वारा निर्मित है? तो गोपालगिरी का दुर्ग बलवंत द्वारा निर्मित है। निम्न में से किसका निर्माण बलवंत द्वारा करवाया गया था? तो गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण बलवंत द्वारा करवाया गया था। हरियाणा में नवीन
पद्धति से बसाया गया पहला शहर है, नवीन पद्धति से बसाया गया पहला शहर करनाल है। गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है, तो हिसार के अंदर गुजरी महल है। लाठ की मस्जिद अवस्थित है, लाठ की मस्जिद हिसार में अवस्थित है। काबुली बाग मस्जिद कहां पर स्थित है, तो काबुली बाग जो मस्जिद है वो पानीपत में स्थित है, जो कि बाबर के द्वारा 1527 ईस्वी में बनवाई गई थी। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में। कोस मीनार किसके द्वारा बनाया गया, कोस मीनार शेरशाह सूरी के द्वारा अंबाला में बनाया गया कोस मीनार अंबाला में शेरशाह सूरी के द्वारा। सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर स्थित है, सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में स्थित है। ऐतिहासिक चौबीसी कबूतरा किस स्थान पर है, तो महम में ऐतिहासिक चौबीसी कबूतरा है, ऐतिहासिक चौबीसी कबूतरा स्थित है। महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो रोहतक में महम किला स्थित है। शेख तैयब का गुंबद कहाँ पर स्थित है, कैथल में। शेख तैयब जी का गुंबद कैथल में स्थित है। बीरबल का छत्ता कहाँ पर स्थित है, नारनौल में बीरबल का छत्ता स्थित है। बीरबल का रंग महल यमुनानगर में, बीरबल का छत्ता नारनौल में, बीरबल का रंग महल यमुनानगर में। कन्नौड का किला जिसे हम कहते हैं वो महेंद्रगढ़ के अंदर है। गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो कहां से प्राप्त हुए हैं, अग्रोवा से। शेषय पर लेटे गुप्तकालीन विष्णु जी की मूर्ति राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो वो हुई है फिजलपुर और फाजिलपुर से, या फाजिलपुर हम जिसे कहते हैं। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों के संगीत में सातों स्वरों का उल्लेख है, तो अग्रोवा के। राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध ख्याल गायक कल्लन खा कहां के निवासी थे, तो रेवाड़ी के निवासी थे कल्लन खा, जो कि गायक थे। पिलिया किस अवसर पर गाया जाता है, तो किस अवसर पर गाया जाता है, बालक के जन्म पर पिलिया गाया जाता है। पीला ओढ़ हमारी जच्चा मुंडा बैठी गीत कब गाया जाता है, बच्चे के जन्म पर। निम्न में से हरियाणा का कौन सा नृत्य प्राचीनतम है, तो धमाल नृत्य हरियाणा का प्राचीनतम है, सबसे पुराना है धमाल नृत्य। हरियाणा प्रसिद्ध गोरा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो गोरा नृत्य शादी में किया जाता है। हरियाणा का वह प्रसिद्ध नृत्य जो महिलाओं व पुरुष के द्वारा किया जाता है, तो फाग नृत्य जो हरियाणा पुरुष के द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है। हरियाणा का किस अवसर पर लोक गीत गाए जाते हैं, तो हरियाणा में झूमर नृत्य और लूर नृत्य लोकगीत गाए जाते हैं, अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं। कौन सा नृत्य होली त्योहार के 15 दिन पहले किया जाता है, तो फाग नृत्य, खेड़ा नृत्य, छठी नृत्य, इनमें से कोई भी नहीं जो होली से 15 दिन पहले किया जाता हो। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली त्योहार पर किया जाता है, होली त्योहार पर लूर नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य है, लूर नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है, तो लूर नृत्य महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। खोडिया नृत्य प्रसिद्ध है, खोडिया नृत्य क्यों प्रसिद्ध है, कहां प्रसिद्ध है, मध्य हरियाणा में खोडिया नृत्य प्रसिद्ध है। लंबे बांस के मोर पंख व रंगीन कपड़े लपेट कर भद्रपद महीने में किया जाने वाला नृत्य का नाम क्या है, तो कौन सा नृत्य है, वो गोगा नृत्य। हरियाणा में राज्य के पश्चिमी भाग का वह प्रसिद्ध नृत्य जिसमें केवल लड़कियां हिस्सा लेती हैं, तो वो झूमर है, वो घूमर है, तो ये राजस्थान में भी किया जाता है। डमरू का बड़ा रूप क्या है, तो डमरू का बड़ा रूप है ढोल तो अलग है, डेरू। डमरू का बड़ा रूप डेरू है। कृष्ण लीला निम्नलिखित में से किस संगीतकार की रचना है, तो कृष्ण लीला किसकी रचना है,
गोवर्धन सारस्वत। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध रागिनी गायक थे? तो दादा पंडित लक्ष्मीचंद जी प्रसिद्ध रागिनी गायक थे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंडित लक्ष्मीचंद जी की नहीं है? तो पूर्ण भगत पंडित लक्ष्मीचंद की नहीं है, बाकी पंडित लक्ष्मीचंद की जी की है। शकुंतला, गोपीचंद, नल दमयंती, ये सारी पंडित लक्ष्मीचंद जी की हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर्स दिए गए हैं, एक बारी देख लेना। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ से आप आंसर चेक कर लेना, आसान सी बात, आसान सी चीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला कुर्ता आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो कुर्ता नाम से ही जाना जाता है, कुर्ता, कुर्ता। हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग की बनी पगड़ी को क्या कहते हैं? तो पाग, पाग कहते हैं, पग जिसे हम पग कहते हैं, वो हरियाणा राज्य की पगड़ी। निम्न में से कौन सी पगड़ी है? खंडवा, साफा, पाग, ये तीनों ही पगड़ी हैं। हरियाणा में पुरुषों द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर को शीतकाल में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? खेस। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी क्या कहलाती है? मुरेठा, मुरेठा। मिर्जई निम्न में से क्या है? रुई की कमरी, रुई की कमरी मिर्जई है। पीले पाट का कड़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? तो पीले पाट का कड़ा ओढ़ना छह अम्मा कहलाता है। विवाह में चढ़ाया जाने वाला रेशमी ओढ़ना है, तो विवाह में जो चढ़ाया जाता है रेशमी ओढ़ना उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डी मार्च कहते हैं। फुलकारी का अर्थ क्या है? तो फुलकारी का अर्थ क्या है? शाल बनाने की कला फुलकारी होती है। हरियाणा में चांद तारा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला घाघरा जो निम्न कपड़ों का बना होता है? सिल्क, डफ, डेरू। तो उस डफ जो कपड़ा है उसका चांद तारा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला घाघरा होता है, वो डफ कपड़े से बना होता है। नीले कपड़े पर पीले रंग की पाट कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है? तो लह कहलाता है, जिससे नीले कपड़े पर पीले रंग की पाट कढ़ाई वाले कपड़े से घाघरा जो बनाया जाता है उसे लह कहते हैं। गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी को क्या कहा जाता है? तो सोपली कहा जाता है। गहरे लाल रंग की जो किनारों पर छपी ओढ़नी होती है उसे सोपली कहा जाता है। खद्दर के गहरे लाल रंग का पीले दागों से कढ़ा ओढ़ना क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? दुकानिया। कौन सा सही सुमेलित है? बोल्डा खद्दर से कपड़े पर फूल छपा घाघरा, ठीक है। छयामा पीले पाट का कढ़ा ओढ़ना, ठीक है। सोडिया खद्दर का गदेला, तो ये भी ठीक है। तो ये सारी चीज ठीक है। इनके अंदर सूची वन और सूची दो में एक नाम दिया, एक पद्धति दी है, तो ये वो करने हैं, मैच करने हैं। तो लहरिया ओढ़नी होती है वो इसके सामने, ये बंदेज पद्धति की रंगाई के तैयार होती है, रंगाई से तैयार होती है। डीमा चोड़नी है वो विवाह में चढ़ाई जाने वाली रेशमी ओढ़नी होती है। गुमटी क्या होती है? सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की ओढ़नी होती है। छयामा क्या होता है? पीले पाट कढ़ा ओढ़ना ये होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से मिलान कीजिए सही उत्तर का, तो इसमें भी यही करना है, तो मिलान करना है। तो जो खंडवा है, खंडवा क्या होता है? वेरी गुड, खंडवा होता है पगड़ी। और दामन क्या होता है? घाघरा। और पीलिया क्या होता है?
दुपट्टा और अंगी क्या होती है? पगड़ी। अंगी क्या होती है? पगड़ी। छोटे बच्चों का पहनावा है जुगला। जुगला छोटे बच्चों को पहनाते हैं, वो छोटे बच्चों का पहनावा है, छोटे बच्चों का पहनावा है। बुजनिया भूषण कहां पहना जाता है? तो बुजनिया भूषण कान के अंदर पहना जाता है, कान में पहना जाता है। पुरली किस अंग का आभूषण है? तो पुरली नाक का आभूषण है। कौन सा आभूषण स्त्रियों द्वारा वक्षस्थल पर पहना जाता है? तो वो है चंदन हार। चंदन हार। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक से संबंधित नहीं है? तो लौंग, पुरली, नथ, ये तीनों आभूषण नाक से संबंधित है। जो कुंडला है वो नाक से संबंधित नहीं है। कुंडला भूषण महिलाएं किस अंग में पहनती है? तो वो बाजू में पहनती है। कुंडला बाजू में पहनती है। बिछुए नामक आभूषण स्त्रियों के किस अंग में पहने जाते हैं? पैरों की अंगूठी अंगुलियों में। ठीक है, बिछुए। स्त्रियों द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली आई ना मुख अंगूठी को क्या कहते हैं? तो आरसी कहते हैं। जो दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली, तो आरसी होती है वो। तो ये मैच करना है हमें। जो गोफ है वो गले में पहना जाता है। बूजनी है वो कान में पहनी जाती है। बोरला है माथे पे पहनी जाती है। और पिछेली है वो हाथ में पहनी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा गले का आभूषण नहीं है? तो मुर्की जो है वो गले का आभूषण नहीं है। हासला, हार और मोहन माला, ये गले के आभूषण है। पुरुष गले में कौन सा आभूषण पहनते हैं? तो पुरुष जो है वो गोफिया पहनते हैं। पुरुष गोफिया पहनते हैं। इनमें से कौन सा आभूषण है जो वो पुरुष नहीं पहनते? तो पुरुष डांडे नहीं पहनते। चिड़िया का रेत में नहाना किस सुकून की ओर संकेत करता है? वर्षा होना की ओर में, अगर चिड़िया रेत से नहाती है तो। अतिथि आगमन का संकेत निम्न में से किस सुकून का प्राप्त होता है? सुकून से प्राप्त होता है। तो जब कौवा बोलता है तो कोई न कोई आने का आगमन संकेत मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुकून है? तो शमशान में गिद्धड़ों का रोना, कुत्तों का रोना, कोए का बोलना, चीखना। तो सुकून है वो है कोए का बोलना। हथेली पर खुजलाना संकेत है धन की प्राप्ति का आना, धन का आना। निम्नलिखित में से कौन सा अपशकुन है? तो बिस्ती का जल के लिए हुए मिलना, नीलकंठ दर्शन, काली बिल्ली का रास्ता काटना। जो काली बिल्ली का रास्ता काटना है वो एक अपशकुन माना जाता है। शमशान में गिद्धड़ों के रोने से किस अपशकुन का संकेत मिलता है? तो शमशान में गिद्धड़ों के रोने से मृत्यु की सूचना का संकेत मिलता है। ठीक है जी, मृत्यु की सूचना का संकेत मिलता है। निम्न में से कौन सा अपशकुन की श्रेणी में आता है? छींकना, छींकना भी आता है। ईंधन का टोकरा लिए किसी का रास्ता काटना, ये भी आता है। पुरुषों की बाई आंख फड़फड़ाना भी आता है। तो ये तीनों आते हैं। स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता, दिया गया कथन किस लोकोक्ति का सही व्याख्यान करता है? तो यह करता है अपना भर्याता जग का भर्या। या जो लोकोक्ति है इसका जो है मतलब वो है कि जो स्वार्थी आदमी हो दूसरे की परवाह ना करता, दूसरे जाओ बाड़म है, अपना बन जाओ। तो 37वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है सबका अपने प्रति आत्मिक के लगाव होता है, दिया गया कथन किस लोकोक्ति का अर्थ है? अपना मारा छा में गेरे। तो अगर कोई अपना किसी ने मारे भी है जब भी वो छा में गेरेगा। तो इस तरह यह चीज मेरा पाठ है कि अपने तो अपने हुए हैं।
अपना ओका अपनी मरोड़ का अर्थ होता है संपन्नता के चलते स्वाभिमान होना। तो अपना ओका अपनी मरोड़, इसका मतलब है संपन्नता के चलते स्वाभिमान होना। कहानी के ब्याह में सो सो जोखम का जो अर्थ होता है वो होता है अभागे व्यक्ति के काम में सैकड़ों अड़चने आती हैं। तो जो अभागा व्यक्ति जिसे मानते हैं उसके काम में सैकड़ों अड़चने आती हैं। एक अंडी में दो पेट मुहावरे का निम्नलिखित में से क्या अर्थ होता है? तो पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। एक अंडी में दो पेट मतलब कोई भी सेम लेवल की जगह पर भी भेदभाव करना, वो पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना, वो इसका मतलब वो है। खुरी खोदना मुहावरे का अर्थ होता है बल प्रदर्शन करना, खुरी खोदना बल प्रदर्शन करना। घर का खोदया पानी पीना, घर का खोदया पानी पीना मुहावरे का अर्थ है पूर्णतया आत्मनिर्भर होना। तो जब भी जो बालक नौकरी की तैयारी कर रहे हो वह नौकरी लाग जावे तो वह घर का खोदया पानी पी ले हैं, आत्मनिर्भर हो जाए। बारा बाट होना नष्ट होना, बारा बाट होना नष्ट होना। तो ये कुछ अर्थ है सूची वन और सूची दो में, तो इनका बताना है। आड़ करना, आड़ करना का मतलब शरारत करना। थेकड़ी चढ़ाना, थेकड़ी चढ़ाना का मतलब गरीब के दिन काटना। जड़ पाड़ना समूल नाश करना। कोली भरना गले लगाना। निम्नलिखित मुहावरों में कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है? तो पल्ले गांठ मारना, युक्ति निकालना ये वाला सही नहीं है। बाकी जो चुनने लड़ना, उत्तेजित होना, ची बोलना, तोबा करना, छी होता है वो वैसे, छी बोलना, अंगाई करना, तृप्त होने के कारण अभिमान करना, ये सारे सही हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है, अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तीज का त्योहार किस महीने में आता है? तो वो आता है श्रावण में। हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? तो वो दिया जाता है तीज पर। गोगानोमी उत्सव निम्न में से किस जिले में मनाया जाता है? तो वो महेंद्रगढ़ में मनाया जाता है गोगानोमी। गुगा पीर मेला राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो वो फरीदाबाद में, गुगा पीर मेला फरीदाबाद में मनाया कहा जाता है गोगानोमी, महेंद्रगढ़ में। फरीदाबाद बाबा बक्सीनाथ की याद में आयोजित मेला कौन सा है? तो फरीदाबाद में जो बाबा बक्सीनाथ की जो याद में मेला लगता है वो होता है फलडोर का मेला। सारे भारत की शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? तो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला होता है जिसमें सब भाग लेते हैं। सूरजकुंड का अंतरराष्ट्रीय मेला कला मेला किस जिले में लगता है? तो फरीदाबाद में लगता है। कान्हा गौशाला का मेला किस महीने एवं किसकी याद में आयोजित किया जाता है? फागुन में लगता है, दादा रावत जी की याद में। राज्य के किस जिले में सौ चौदस उत्सव मनाया जाता है? शिव चौदस जो उत्सव है वो मनाया जाता है, बताओ जल्दी आप लोग। तो वो मनाया जाता है फरीदाबाद में। नागा बाबा का मेला भिवानी में कहाँ लगता है? नागा बाबा का मेला भिवानी में नवारागढ़ में लगता है। रक्षाबंधन के अवसर पर किस जिले में बाबा खेड़ेवाला का मेला लगता है? तो खेड़ेवाला का मेला जो भिवानी में लगता है। मुंगीपा का मेला किस जिले में लगता है? भिवानी में, मुंगीपा का मेला भिवानी में लगता है। शीतला माता मेला किस नगर में आयोजित किया जाता है? गुरुग्राम में। निम्न में से कौन सा मेला अक्सर चेक आषाढ़ में गुरुग्राम में आयोजित किया जाता है? वो शीतला माता का चोर सा चौकी
साचो का खोरी मेला आयोजन किस जिले में होता है? तो गुरुग्राम में साचो की खोरा। छड़ियों का मेला कहाँ लगता है? अमूपुर में। अमूपुर में। करनाल के त्रावड़ी में कौन सा मेला लगता है? परासर का मेला। सुमलित कीजिए। कनुआ का मेला फरीदाबाद। भगत पूर्णमल गुरुग्राम। सच्चा सौदा मेला जींद। छठी मेला करनाल। प्रसिद्ध फाल्गु का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? फरल कैथल के अंदर। सूर्य ग्रहण स्थान मेला किस स्थान पर लगता है? कुरुक्षेत्र में। पेहोवा का मेला किस स्थान पर लगता है? कुरुक्षेत्र में। मारकंडा का मेला किस स्थान पर लगता है? कुरुक्षेत्र में। चवन ऋषि की याद में मेला किस कहां आयोजित किया जाता है? डोसी की पहाड़ियों में चवन ऋषि का याद में मेला। बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक में किस महीने में मनाया जाता है? तो फरवरी और मार्च में। सतकुंभ मेला किस जिले में लगता है? सतकुंभा मेला सोनीपत में। गोपाल मोचन मेला का आयोजन किस जिले में होता है? गोपाल मोचन का जो मेला है उसका आयोजन यमुनानगर में होता है। भीमेश्वरी का मेला झज्जर के किस स्थान पर लगता है? तो बेरी में। भीमेश्वरी माँ का। छोटे बच्चों के कुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? श्याम जी का मेला होता है। बूढ़ा बाबा का मेला कहाँ लगता है? आसदा में। भर्तरी हरी ऋषि का मेला कहाँ पर लगता है? नारनौल में। निम्न में से किस उत्सव को बसोड़ा भी कहा जाता है? तो सीढ़ी सातों को बसोड़ा भी कहा जाता है। निम्न में से किस उत्सव में स्त्रियों द्वारा शीतला माता की पूजा की जाती है? स्त्रियों द्वारा शीतला माता की जो पूजा होती है वो सीढ़ी सातों को की जाती है। निम्न में से कौन सा उत्सव वर्षा ऋतु के आगमन का सूचक होता है? तो बड़लिया नवमी वर्षा ऋतु के आगमन का सूचक होता है। निम्न में से कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहन का उत्सव है? सलोनी। जन्माष्टमी को लौकिक भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो जाटी नाम से जाना जाता है जन्माष्टमी को। बैसाखी पर्व किस समूह की फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है? तो वो रबी की जो फसल होती है उसके पकने पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति किस माह में आती है? वो जनवरी में। ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व किसे कहा जाता है? मकर संक्रांति को। डोला मोहल्ला उत्सव गुरु तेग बहादुर की याद में कहाँ मनाया जाता है? लाखन माजरा में। डोला मोहल्ला उत्सव तो वो लाखन माजरा में मनाया जाता है। सुमिलित कीजिए सूची वन को सूची दो से। सलोनी जो उत्सव है वो भाई बहन के उत्सव के लिए। निर्जला गायक गयास उत्सव स्त्रियों का त्योहार होता है। सीढ़ी सातो बासी भोजन का त्योहार और सातो उत्सव फसल का त्योहार। तीजो उत्सव फसल का त्योहार होता है। तो आप लोगों को यहाँ भी आपके आंसर्स दिए गए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ से अपने आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। कोरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? तो कोरवी किस बोली की प्रारूप मानी जाती है? खड़ी बोली की। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? हरियाणा की राजधानी
सॉरी हरियाणा की राजभाषा, एम सॉरी हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। कवि पुष्पदंत की रचनाएं किस पंथ से संबंधित हैं? तो जैन पंथ से संबंधित है। जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाला प्रमुख साहित्यकार कौन थे? तो श्रीधर थे। किस मुख्य साहित्यकार ने जैन कविताई पद में हरियाणवी का प्रयोग किया है? श्रीधर ने। प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रबरदाई ने। लोकगाथा आल्हा में किस रस की प्रधानता है? तो किस रस की प्रधानता है? वीर रस की। आल्हा साहित्य की कौन सी गाथा है? तो लोकवीर गाथा है आल्हा साहित्य की। सीही ग्राम किस कवि संत की जन्मस्थली है? सीही ग्राम सूरदास जी की। भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर जी के। सूरसागर लिखी गई सूरदास द्वारा। अहमद बख्श खां की निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध काव्य रचना है? तो थानेश्री रामायण। अहमद बख्श खां जी की। निम्न में से किस हरियाणा का शेक्सपियर या हरियाणा का कालिदास माना जाता है? पंडित लक्ष्मी चंद, पंडित मांगेराम, बाजे भगत। तो इन सभी को जो हरियाणा का कालिदास या हरियाणा का शेक्सपियर नहीं माना जाता, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। सूर्य कवि के नाम से कौन पुकारा जाता है? इन्हें हरियाणा का तानसेन भी कहते हैं। तो कौन है वो? पंडित लक्ष्मी चंद। हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास जाडू फिरी। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री ने लिखा था। निम्न सभी में से काव्य से संबंधित है? केवल राजा राम शास्त्री। केवल राजा राम शास्त्री। निम्न में से कौन हरियाणा के प्रसिद्ध संत कवि हैं? तो प्रसिद्ध संत जो कवि हैं वो है संत गरीबदास। संत गरीबदास हरियाणा के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि हैं। दाहिने हाथ का साख किसने किस लेखक ने रचना की है? तो दाहिने हाथ का जो साख है वो गुलाम हुसैन शाह जी ने उसकी रचना की है। महम के किसने राममाला काव्य की रचना की है? सैयद गुलाम हुसैन ने। महम के किसने राममाला काव्य की रचना की है? हरियाणा नाटक साझा सीर किसकी रचना है? साझा सीर किसकी रचना है? रामफल चहल की। प्राण सांकली के रचनाकार कौन है? चौरंगीनाथ। टूटा हुआ आदमी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? मोहन चोपड़ा। मेहंदी रचे हाथ किसकी उपन्यास की रचना किसने की थी? रमेश चंद जैन। माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है? जय नारायण कौशिक। साए अपने अपने उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? राजकुमार निजात। साए अपने अपने। टूटते बंधन उपन्यास के रचनाकार कौन है? हेमराज निर्गम। ईख की खेती प्रहसन के लेखक कौन है? राजा राम शास्त्री। अंबाड़ा में जन्मे भगवती दास का प्रमुख जैन साहित्य कौन सा है? सीता सेतु अंबाड़ा में जन्मे भगवती दास का प्रमुख साहित्य है। संस्कृत ग्रंथ श्री भगत फूल सिंह चरित्रम के लेखक कौन है? तो पंडित विद्यानिधि। श्री भगत फूल सिंह चरित्रम। विवाह पद्धति पुस्तक किसने लिखी? विवाह पद्धति लिखी पंडित
विद्याधर शास्त्री ने। हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन है? शेख मोहम्मद तुर्क। हादी है हरियाणा के नाम से कौन से कौन प्रसिद्ध है? हादी है हरियाणा, हादी ए हरियाणा शाह मोहम्मद प्रसिद्ध है। तो ये आंसर्स एक्चुअली दिए गए हैं आप लोगों को, आप लोग यहाँ से अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो। पितरों के श्राद्ध के लिए जैसा महोत्सव किस तीर्थ को दिया गया है? तो पेवा तीर्थ को। किस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? तो कुरुक्षेत्र में किस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था? तो वो कौन सा पेड़ था? बरगद का पेड़। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो राजा कुरु द्वारा। सही जोड़े चयन कीजिए, मतलब कौन सा सही जोड़ा है? ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र सही जोड़ा है। अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में निम्नलिखित में से किस झील का उल्लेख किया गया है? ब्रह्म सरोवर का। अलबरूनी की किताब किताबुल हिंद में ब्रह्म सरोवर का किया गया है जिक्र। हरियाणा का चारों ओर से पक्का बना हुआ विशाल एवं पवित्र सरोवर कौन सा है? वो है ब्रह्म सरोवर। हरियाणा के तामेर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया? तो सूरज कुंड। तोमर राजा द्वारा सूर्य कुंड बनवाया गया था। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था? तो चंद्रकूप बनवाया था कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर ने। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस तीर्थ से है? चैतन्य महाप्रभु का जो संबंध है वो कुबेर तीर्थ से है। वह धार्मिक केंद्र स्थल कौन सा है जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? ज्योतिषर तीर्थ है वो धार्मिक तीर्थ। कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है महाभारत के लिए, बिल्कुल है। ज्योतिषर के लिए बिल्कुल है। ब्रह्म स्नान के लिए बिल्कुल है। तीनों के लिए प्रसिद्ध है। ज्योतिषर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ज्योतिषर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, यहाँ पे दिया था। कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? तो किस सरोवर के निकट है कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर? ज्योतिषर। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे है? तो वो सरस्वती नदी के किनारे है। पांडु पिंडारा पवित्र तीर्थ स्थल हरियाणा के किस नगर में समीप है? तो वो जींद में। जींद में पांडु पिंडारा तीर्थ में उपयुक्त स्नान व पिंड दान माना जाता है। तो सोमवती अमावस्या को माना जाता है, सोमवती अमावस्या को। 51 शक्ति पीठों में से भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पर स्थित है? वो है कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के नवग्रह कुंड स्थित हैं कैथल में। नवग्रह कुंड हरियाणा के कैथल में। नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान पर छोटी काशी कहा जाता है? तो छोटी काशी जो कहा जाता है वो कहा जाता है कैथल को। 54 ऋषि गुफा स्थित है। 54 ऋषि गुफा स्थित है डोशी की पहाड़ियों में स्थित है 54 ऋषि गुफा। हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी स्थित है। तो हरियाणा का जो धार्मिक स्थल पंचवटी है वो पलवल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है वो? पलवल में। हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी पलवल में। पलवल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? पंचवटी मंदिर। किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? तो वो पुंडरीक सरोवर है जिसका सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है पानी। भगवान विष्णु की स्थानीय निवास किस तीर्थ में माना जाता है? तो सन्निहित तीर्थ को माना जाता है। जींद का कौन सा दुर्योधन
वध के लिए प्रसिद्ध है? जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए प्रसिद्ध है? तो वह डूंडू तीर्थ। सीसेवाड़ी मस्जिद, दीनी मस्जिद, लाल मस्जिद तीनों रोहतक के अंदर है। गुरुग्राम के समीप स्थित सराय अलीवर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद स्थित है? तो अलाउद्दीन खिलजी की। गुरुग्राम के समीप तीर्थ सराय अलीवर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद स्थित है? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी के काल की। माता शीतला का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है? गुरुग्राम में। हरियाणा का शीतला माता का मंदिर किस वास्तु शिल्प पैटर्न पर डिजाइन किया गया है? मुगलई। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? तो वो जींद में है भूतेश्वर मंदिर। निम्न में से किसका निर्माण शाहकुली खां द्वारा करवाया गया था? नारनौल का जल महल का जो निर्माण था वो शाहकुली द्वारा करवाया गया था। पिंजोर का संबंध माना जाता है पांडवों से। पिंजोर का संबंध पांडवों से। गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? तो गोहाना में किले का जो निर्माण था वो पृथ्वीराज द्वारा हुआ था। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? तो भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा होडल की सराय का निर्माण कराया गया था। राजघाट गुरुद्वारा स्थित है भिवानी में। राजघाट गुरुद्वारा भिवानी में। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ प्रसिद्ध है? कैथल के अंदर। शेख तैयब का गुंबद कहाँ स्थित है? कैथल में। शेख तैयब का गुंबद कैथल में। कपिल मुनि का जो संबंध है हरियाणा के किस नगर से है? कैथल से। कपिल मुनि का कैथल से। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है वो थानेश्वर में स्थित है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर। निम्न में से कौन सा धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल लाखनमाजरा में स्थित है? तो लाखनमाजरा में श्री सिंह साहिब गुरुद्वारा स्थित है। डिगल का शिवालय रोहतक में स्थित है। इब्राहिम खान का जो मकबरा है वो नारनौल में स्थित है। हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? तो नारनौल को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है। पिपलाद ऋषि से संबंधित बौद्ध तीर्थ किस जिले में है? तो बागोत तीर्थ वो महेंद्रगढ़ के अंदर है। बागोत तीर्थ महेंद्रगढ़ के अंदर है। कन्नौड का किला किस नगर में स्थित है? महेंद्रगढ़ में। कन्नौड का किला जो महेंद्रगढ़ में स्थित है। हरियाणा की नई पर्यटन नीति 2008 के अंतर्गत पर्यटन विकास परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो वो मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में किया गया। 2008 में हरियाणा की नई पर्यटक नीति 2008 के अंतर्गत पर्यटन विकास परिषद का गठन मुख्यमंत्री जी की उसमें किया गया अध्यक्षता में। तो ये इसके आंसर्स हैं। अगर आपको किसी आंसर में कोई प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं। यू कैन चेक हेयर। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मेवात। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सारे बताओ। 1969 में। हरियाणा स्कूल शिक्षक बोर्ड की स्थापना सितंबर 1969 में चंडीगढ़ में हुई तथा वर्ष 1981 में इसे स्थानांतरित किया गया। कहां पे? भिवानी के अंदर। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष 10+2+3 शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की गई?
तो ये कब करी गई थी, ये की गई थी 1985-86 में, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का उद्घाटन पानीपत में प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि को किया गया था, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था पानीपत के अंदर, वो किया था 22 जनवरी 2015 को। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावा छात्र योजना आरंभ की गई, तो कब की गई थी, 2005-2006 में, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना। शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ पे है, ये पानीपत के अंदर है, शारीरिक विकलांगों के लिए जो विद्यालय वो पानीपत के अंदर उपस्थित है। राज्य में कार्यशील मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए बने स्वैच्छिक संगठन किस नाम से स्थापित किए गए हैं, तो वो बचपन शाला नाम से स्थापित किए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा की किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय वो है राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय उसकी स्थापना 11 जनवरी 1956 को हुई थी, 11 जनवरी 1956 को हुई थी। भिवानी में शिक्षा जो प्रणाली हमारी, वो भिवानी में स्थानांतरित कब हुई थी, 1981 में, और चंडीगढ़ में कब हुई थी, 1969 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा, तो किसका रहा था, पंडित सतानुदत्त शर्मा। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो चौधरी चरण सिंह कहां पे है, इसार के अंदर, जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसार के अंदर है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1970 के अंदर, और ये महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1976 के अंदर। तो आप लोगों को कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना पता चल गई, महर्षि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1976 के अंदर, 1970 के अंदर हमारी HAU की चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, और जो हमारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है उसकी जो स्थापना 11 जनवरी 1956 को हुई थी, ठीक है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ है, रोहतक के अंदर। दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो कहाँ पे है, ये सोनीपत के अंदर। दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विश्वविद्यालय कहाँ है, सोनीपत के अंदर। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ है, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के अंदर है। तो दीन बंधु छोटू राम सोनीपत के अंदर, चौधरी देवीलाल सिरसा के अंदर। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है सोनीपत के अंदर। हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया है, भगत फूल सिंह। प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर है, भगत फूल सिंह। करनाल में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम पर प्रस्तावित है, तो करनाल में कल्पना चावला के नाम पर। पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, तो पंडित बीडी शर्मा जो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है वो रोहतक के अंदर है, जिसे PGI कहते हैं। लिंगा विश्वविद्यालय फरीदाबाद के अंदर। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ बनाई गई है, तो वो सोनीपत के कुंडली में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाई गई है, सोनीपत के कुंडली में। एजुकेट सिस्टम की शुरुआत किस योजना के अंतर्गत की गई थी, तो सॉफ्ट स्किल योजना के अंतर्गत एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत की गई थी, सॉफ्ट स्किल योजना के। श्रेय रोग TB पर नियंत्रण हेतु हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय श्रेय रोग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो
गुरुग्राम, जींद, करनाल, तीनों जगह पे, सभी जगह पे, इन सभी जगह पे किया गया था। हरियाणा सरकार द्वारा सीमित नकद रहित चिकित्सा सेवा नामक योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 30 नवंबर 2017 को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कितने रुपए का वार्षिक बीमा प्रदान किया जा रहा है? तो कितने रुपए का किया जा रहा है? 30,000 रुपए का। कितने रुपए का? 30,000, 30,000 रुपए का। ये आपको आंसर्स भी दिए गए हैं, अगर किसी आंसर में आपको प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं। हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? तो हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? तो जगदीश सिंह ने भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी, जगदीश सिंह ने। बॉक्सिंग पावर हाउस हरियाणा के किस नगर को कहा जाता है? तो बॉक्सिंग पावर हाउस हरियाणा के भिवानी जिले को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है? तो कपिल देव जी हरियाणा से संबंधित हैं, बिल्कुल कपिल देव जी हरियाणा से संबंधित है। प्रसिद्ध नवाब मसूर अली खां पटौदी का कार्य क्षेत्र था, तो वो क्या था? मसूर अली खां पटौदी का क्रिकेट खेल था। मास्टर चंदगीराम रमेश कुमार का संबंध किस खेल से था? तो चंदगीराम रमेश कुमार जी का संबंध कुश्ती से था। तो खेलों के क्षेत्र में गीता फोगाट का नाम संबंधित है, तो कुश्ती से गीता फोगाट का नाम भी। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी है वो किस खेल से संबंधित है? वो दौड़ से, एथलेटिक्स से संबंधित है। जैसे वीरेंद्र सिंह बॉक्सिंग से संबंधित है, वैसे ही गीता जुत्सी जो हमारी है वो एथलेटिक्स से संबंधित है। ठाकुर अनूप सिंह संबंधित है किस चीज से? बॉडी बिल्डिंग से। ठाकुर अनूप सिंह बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो जो सुमन बालाजी हैं वो हॉकी की प्लेयर हैं, तो ये हॉकी ये सही सुमेलित है। संदीप सिंह किस खेल से संबंधित है? तो संदीप सिंह हॉकी से संबंधित है, संदीप सिंह हॉकी से संबंधित है। हरियाणा के सतीश कुमार किस खेल से संबंधित है? तो हरियाणा के सतीश कुमार जूडो से संबंधित है। योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है? तो योगेश्वर दत्त का संबंध कुश्ती से है। तो सूची एक को सूची दो से मैच करना है, तो सबसे पहले सुमन कुंडू जी किस खेल से संबंधित है? सुमन कुंडू कुश्ती से संबंधित है। मनोज कुमार किस खेल से हैं? बॉक्सिंग से। सुमन बाला हॉकी से। दलेल सिंह वॉलीबॉल से। सुनीता शर्मा, संध्या और निर्मल गुलिया किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से। सुनीता शर्मा संध्या और निर्मल गुलिया। हरियाणा का लीलाराम प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता। 70वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता? तो 70वें एशियाई खेलों में हरियाणा के योगेश्वर दत्त ने स्वर्ण मेडल जीता था। विजेंद्र सिंह बेनीवाल, हरियाणा में एक नेशनल डैश है, तो नेशनल मुक्केबाज है विजेंद्र सिंह बेनीवाल एक मुक्केबाज है। निम्न में से कौन सा कथन विजेंद्र सिंह बेनीवाल के संदर्भ में सत्य है? तो इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो कौन सा पदक जीता था इन्होंने? कांस्य पदक 2008 के ओलंपिक्स में। भारत के लिए मुक्केबाजी में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक किसने जीता था? विजेंद्र सिंह ने। बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था? विजेंद्र सिंह ने।
मनोज सिंह मनोज कुमार जिन्होंने 2010 के राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, कहाँ से हैं? तो मनोज कुमार जी कैथल से हैं। मनोज कुमार कहाँ से? कैथल से। वर्ष 2010 के एशियन खेलों में लाइटवेट कैटेगरी बॉक्सिंग में किसने स्वर्ण पदक जीता? विकास कृष्ण यादव ने। विकास कृष्ण यादव ने। कपिल देव की कप्तानी में किस वर्ष भारतीय टीम ने विश्व कप जीता? तो कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप जीतवाया। साइना नेहवाल का संबंधित किस खेल से है? बैडमिंटन से। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित नहीं है? तो अभिनव बिंद्रा है वो हरियाणा से संबंधित नहीं है। सुशील कुमार, कपिल देव और विजेंद्र सिंह तीनों ही हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है। मई 2015 को हरियाणा सरकार ने अपनी नीति में किस खेल को शामिल किया? तो मई 2015 में डिफालिम्पिकस इस खेल को शामिल किया। डिफालिम्पिकस जो भी आप लोग देख लेना एक बारी। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा में कितनी राशि का प्रावधान है दिया गया है? तो ओलंपिक जो खेलों में अगर स्वर्ण पदक लेके आता है तो कितनी राशि का प्रावधान है? 6 करोड़। हरियाणा सरकार खेल नीति। हरियाणा सरकार खेल नीति वर्ष 2015 के अनुसार एशियन खेल स्वर्ण पदक विजेता को अब कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो 3 करोड़ रुपए। किसको? हरियाणा सरकार खेल नीति के द्वारा 2015 के वर्ष के अनुसार एशियन खेल स्वर्ण पदक विजेता को तीन करोड़ रुपए प्रदान राशि की जाएगी। हरियाणा सरकार की खेल नीति वर्ष 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को दी जाने वाली राशि 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ जो है वो राशि दी जाएगी कॉमनवेल्थ खेलों में जो स्वर्ण पदक विजेता है उनको। वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक साइना नेहवाल ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो कांस्य पदक 2012 के ओलंपिक्स लंदन ओलंपिक्स में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक प्राप्त किया था। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है? तो मोखरा गांव से जो संबंधित है वो है साक्षी मलिक। रियो ओलंपिक 2016 की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म रोहतक के किस गांव में हुआ था? तो मोखरा जो गांव है उसमें हुआ था। ये आपको यहाँ पे आंसर्स दे रखे हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, सूर्य सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? तो सूर्य सम्मान है वो साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। हरियाणा गौरव सम्मान के अंतर्गत कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो वो 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा गौरव सम्मान के अंतर्गत। उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो वो हालिया अवार्ड है जो उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। लक्ष्मी चंद पुरस्कार के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 1 लाख। बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। हाली अवार्ड आपको पता चल गया वो उर्दू साहित्य के लिए, और ये हिंदी साहित्य के लिए बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार।
महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो वो हरियाणा संस्कृत अकेडमी अकादमी, तो हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वेदव्यास जो पुरस्कार है वो संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वेदव्यास जो पुरस्कार है वो संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बालमुकुंद गुप्त पुरस्कार, और ये जो हाली पुरस्कार अवाली अवार्ड है वो उर्दू साहित्य के विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। बाण भट्ट पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो बाण भट्ट पुरस्कार विजेता को 51,000 रूपए दिए जाते हैं। हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? 2,50,000 रूपए का पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कार के अंतर्गत। किस साहित्यकार को वर्ष 2016 के हरियाणवी पंजाबी गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर अमृता कौर रैना को सम्मानित किया गया। किस साहित्यकार को वर्ष 2016 के भाई संतोष सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जोगेंद्र कौर अग्निहोत्री को 2016 के साहित्यकार 2016 के भाई संतोष सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया जोगेंद्र कौर अग्निहोत्री को। संत तरन सिंह वहमी पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? 1,00,000 रूपये का। हरियाणा के एकमात्र परमवीर पुरस्कार से सम्मानित सैन्य अधिकारी कौन है? तो मेजर होशियार सिंह है। मेजर होशियार सिंह एकमात्र परमवीर पुरस्कार से सम्मानित सैन्य अधिकारी है। हरियाणा सरकार द्वारा परमवीर चक्र विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो वो कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? 2,00,000 रूपये का। हरियाणा सरकार द्वारा वीर चक्र सैन्य पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों को वीर चक्र सैन्य पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? 50,00,000 रूपये का। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार किस स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा कब की गई? तो वर्ष 2010 में इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? 1,50,000 रूपये का। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? तो 2010 के अंदर कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार भी दिया जाने लगा हरियाणा सरकार के द्वारा। तो कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? 1,00,000 रूपये का। बहन सुन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार की स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा कब की गई? यह की गई थी वर्ष 2010 में। बहन सुन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो वो जाता है 1,00,000 रूपये का। बहन सुन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार महिला पंचायत मुखियाओं को किस क्षेत्र में योगदान देने हेतु दिया जाता है? तो ये कब दिया जाता है? जब महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला साक्षरता के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, इन तीनों चीजों के लिए ही ये दिया जाता है। राज्य शिक्षक पुरस्कार किस स्कूल में अध्यापकों को दिया जाता है? राज्य शिक्षा पुरस्कार प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों स्कूलों के अध्यापकों को दिया जाता है। राज्य शिक्षक पुरस्कार के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा कितनी राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है? तो वो दी जाती है 21,000 रूपये। राज्य में उद्योग पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो राज्य में जो उद्योग पुरस्कार है वो श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा दिया जाता है। वो कौन से बोर्ड द्वारा? श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा दिया जाता है। ये इसके आंसर्स हैं, आप लोग चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, अगर किसी को कोई किसी भी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत हो तो।
नेक्स्ट चैप्टर के अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। किस शासक ने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था? तो अनंगपाल द्वितीय ने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। सीहीग्राम किस कवि संत की जन्मस्थली मानी जाती है? तो सूरदास की जन्मस्थली सीहीग्राम। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली? तो संगीत की शिक्षा संत सूरदास ने संत हरिदास जी से ली थी। भगत और संगीत उस्ताद सूरदास निम्न में से किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। हिंदी के प्रतिष्ठित कहानीकार श्री विशंभर नाथ कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? तो विशंभर नाथ कौशिक का जन्म अंबाला में हुआ था। सुनील दत्त का वास्तविक नाम क्या है? तो बलराज दत्त सुनील दत्त का वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम था बलराज दत्त। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध संगीत के किस घराने से है? तो मेवात घराने से पंडित जसराज का संबंध है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सतीश कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? तो महेंद्रगढ़ में सतीश कौशिक का जन्म हुआ था। घासीराम कोतवाल फिल्म के निर्माता निम्नलिखित में से कौन है? तो ओमपुरी जी घासीराम कोतवाल फिल्म के निर्माता है, ओमपुरी जी। भारत फिल्म जगत में प्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू निगम का जन्म कहाँ हुआ था? तो फरीदाबाद में सोनू निगम जी का जन्म हुआ था। रणदीप हुड्डा का संबंध किस जिले से है? रोहतक से। रणदीप हुड्डा की ख्याति किस विधि के कारण है? तो वो अभिनय करते हैं, एक्टर हैं। हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं कौन? हरियाणा हरिकेन कपिल देव जी। राज्य में टाइगर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राज्य में टाइगर के नाम से मसूर अली खां पटौदी जाने जाते हैं। ये क्या करते थे? क्रिकेट प्लेयर थे। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ? तो 3 सितंबर 1992 में हुआ था। तो कब हुआ था? 3 सितंबर 1992 में हुआ था। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है? तो साक्षी मलिक मोखरा गांव से संबंधित है। समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? खेड़ी सुल्तान नामक जगह पर पंडित बस्तीराम जी का जन्म हुआ था। अंतरिक्ष रानी स्पेस क्वीन और महान भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी का किस जिले से संबंधित है? तो वो संबंधित है करनाल से। कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई, कब हुई? 1 फरवरी 2003 को हुई थी। 1 फरवरी 2003 को हुई थी। योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ में। तो बाबा रामदेव जी को याद कर लो, ये काफी विवादों में थे, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना उतनी ही ज्यादा हो जाती है, और आप लोगों को विवाद का तो पता ही होगा। चलो आगे चलते हैं। पतंजलि योगपीठ के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव किस जिले से संबंधित हैं? तो महेंद्रगढ़ से संबंधित हैं। बाबा रामदेव के गुरु कौन हैं? तो बाबा रामदेव के गुरु आचार्य बलदेव हैं। संतोष यादव वह महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, वह कौन से राज्य से संबंधित हैं? तो संतोष यादव जी हरियाणा राज्य से संबंधित हैं।
निम्न में से किस महिला पर्वतरोही ने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह की है? तो वो कौन है? संतोष यादव। ये आप लोगों के आंसर्स हैं। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप लोग यहाँ से अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत रखी सखी योजना किस उद्देश्य से आरंभ की गई थी? जो सखी योजना है वो उसका उद्देश्य क्या था, बताओ जल्दी। सखी योजना का जो उद्देश्य था वो था पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। पीड़ित महिला उसका मेन उद्देश्य था। तो प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहां से प्रारंभ की थी? वेरी गुड, कहां से? पानीपत से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ पानीपत में प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि को किया गया था? अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन हमने किया था, 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत राज्य के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना संबंध किस मंत्रालय से है? तो इस योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से ही है। लाडली सामाजिक भत्ता सुरक्षा योजना हरियाणा राज्य में कब लागू की गई थी? तो ये कब लागू की गई थी? 1 जनवरी 2006 को ये लागू की गई थी। 1 जनवरी 2006 को लागू की गई थी। लाडली योजना की शुरुआत हुई 15 अगस्त 2005 को लाडली योजना की शुरुआत हुई थी। न केवल जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए बल्कि पुरुष योजना अनुपात को सुधारने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा नियम में से किस योजना को प्रारंभ किया गया? देवी रूपक योजना, इंदिरा सहेली योजना, फरलो योजना, भाग्योदय योजना। तो इनमें से किसको किया गया था? देवी रूपक योजना को किया गया था। हरियाणा राज्य में संचालित नियम योजनाओं में से कौन सी योजना शिक्षण से संबंधित नहीं है? तो कौन सी योजना है जो शिक्षण से संबंधित नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर मेघावी छात्र योजना ये तो है, अनुसूचित जाति छात्र शिक्षा योजना ये भी है, हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति योजना ये भी है, स्वयं सिद्धा योजना ये नहीं है, लास्ट वाली नहीं है। हरियाणा सरकार ने गरीब लड़कियों के कल्याण हेतु कौन सी योजना की घोषणा की? तो कौन सी योजना की घोषणा की थी? अपनी बेटी अपना धन, अपनी बेटी अपना धन। अपनी बेटी पराया धन तो ही नहीं सकता, सरकार ऐसा नाम थोड़ी रखेगी। तो अपनी बेटी अपना धन ये योजना स्टार्ट की गई थी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। गरीब कन्याओं के हितार्थ हरियाणा में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो कौन सी योजना चलाई गई थी अब आप लोग बताएंगे, बिल्कुल सही, अपनी बेटी अपना धन। 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा राज्य ने शुरू की गई कौन सी स्कीम शुरू की गई थी, बताइए। वेरी गुड, इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना स्टार्ट की गई थी। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना अंतर्गत कितने वर्ष तक के लोगों को शामिल किया गया है? तो कितने वर्ष के लोगों को शामिल किया गया है? 60 वर्ष या उससे अधिक। विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह कितनी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है? तो अभी शायद ये बढ़ गई है, आप ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप लोग एक बार चेक कीजिएगा जरूर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना प्रारंभ की थी? तो 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी, बताइए। थारी पेंशन थारे पास जो ये एक योजना है वो स्टार्ट की गई थी।
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना, राजीव गांधी परिवार बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो राजीव गांधी परिवार बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई? तो हरियाणा राज्य में देवी रक्षक जो योजना है वो 2 अक्टूबर 2003 को लागू की गई थी, 2 अक्टूबर 2003 को लागू की गई थी। सुरक्षित भविष्य योजना के अंतर्गत यदि कर्मचारी की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार को बीमा कंपनी द्वारा कितनी राशि दी जाएगी? तो कितनी राशि दी जाएगी बताइए, 50,000 रुपए। राज्य सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना कब से आरंभ की गई? तो कब से स्टार्ट की गई थी, ये की गई थी वर्ष 2005 से, बेरोजगारी भत्ता जो मिलता है। अनुसूचित जाति क्षेत्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा कब से की गई थी? तो ये की गई थी 18 अगस्त 2009 से। 18 अगस्त 2009 से अनुसूचित छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी। इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह योजना, इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह योजना कब से प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 14 मई 2005 से स्टार्ट की गई थी, 14 मई 2005 से स्टार्ट की गई थी। इंदिरा गांधी प्रियदर्शी विवाह सुकून योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार बीपीएल तथा एससी परिवार को विवाह में कितनी राशि देती है? तो कितनी राशि देती है, 31,000 रुपए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2015 से की गई थी। दो अप्रैल 2016 को ग्रामोदय से भारतोदय अभियान का शुभारंभ हरियाणा में कहां से किया गया था? तो ये हिसार से किया गया था। कहां से किया गया था, हिसार से। हरियाणा में अक्टूबर को स्वाधार गृह स्कीम शुरू की गई थी। इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। क्या नाम था, स्वाधार गृह स्कीम। ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 जुलाई 2015 को ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई थी। हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को ऑपरेशन मुस्कान, हमारा गांव जगमग गांव भी 1 जुलाई 2015 को। और जो प्रियदर्शिनी आवास योजना है, प्रियदर्शिनी आवास योजना की शुरुआत की गई थी 8 जून 2013 को। तो आप लोगों को यहाँ नीचे आंसर्स दिए गए हैं इनके, तो आप लोग चेक कर सकते हैं अगर किसी को कोई किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन करते हैं। कृषि ऋण माफ करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो कृषि ऋण माफ करने वाला भारत का प्रथम राज्य हरियाणा था। वृद्धावस्था पेंशन आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? वृद्धावस्था पेंशन आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा था। भारत के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? सबसे पहला राज्य हरियाणा था। भारत में सर्वाधिक ऐतिहासिक युद्ध स्थल किस राज्य में है? तो सर्वाधिक ऐतिहासिक युद्ध स्थल हरियाणा राज्य में है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP लागू करने वाला सबसे प्रथम राज्य कौन सा था? सबसे प्रथम राज्य हरियाणा था। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर जी हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष सन्नो देवी थी। हरियाणा में वन विभाग प्रमुख नियुक्त होने वाली देश की प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी, अमरिंदर कौर।
अमरेंद्र कौर हरियाणा में वन विभाग प्रमुख नियुक्त होने वाली देश की प्रथम महिला थी अमरेंद्र कौर। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ स्थित है? तो झज्जर के अंदर हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला पहले भिवानी था, अब एक बार चेक करना, चरखी दादरी हटने के बाद कहीं चेंज नहीं हो गया। तो ये आप लोगों के पास में है, आप लोग चेक करोगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे अगर आपको चेंज हुआ मिला तो। हरियाणा का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला हरियाणा का फरीदाबाद है। हरियाणा का सबसे शिक्षित जिला गुरुग्राम। हरियाणा का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो मेवात में सर्वाधिक लिंग अनुपात था। हरियाणा की सबसे छोटी नदी थापना नदी। हरियाणा की सबसे छोटी नदी लंबाई में थापना नदी। हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला फरीदाबाद। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला फरीदाबाद। हरियाणा का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनघनत्व वाला जिला सिरसा। हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1969 को हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग परिषद की स्थापना की गई थी। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना सन 1999 में हुई थी। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, ISA का हेडक्वार्टर। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का गांधी के रूप में जाना जाता है? तो हरियाणा के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मूलचंद जैन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मूलचंद जैन को। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा की लेडी खली, हरियाणा की लेडी खली के नाम से रूप से जाना जाता है? तो कविता दलाल को हरियाणा की लेडी खली के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के स्टील किंग किसे कहा जाता है? तो हरियाणा के स्टील किंग के नाम से किसे जाना जाता है? ओम प्रकाश जिंदल, ओपी जिंदल को, स्टील किंग। आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार के रूप में चौधरी बंसी लाल जी को जाना जाता है। तो बंसी से याद करोगे आप, आधुनिक शिल्पकार मतलब एक अच्छी चीज की इन्होंने, मतलब एक आधुनिक चीज, जैसे एक बंसी होती है जो म्यूजिकल आवाज देती है उससे, तो ये कितनी आधुनिक चीज है जो कि पहले थी, तो आप ऐसे ही याद कर लेना बंसी से। हरियाणा में पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ स्थित है? झज्जर के अंदर। कहाँ पे स्थित है? झज्जर के अंदर। जयंती देवी संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो जयंती देवी संग्रहालय जींद में स्थित है। आप लोगों को यहाँ पे नीचे आंसर्स दिए गए हैं आपके, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग एक बारी आंसर चेक कर लेना। ओके, हमने 800 क्वेश्चंस के अबाउट कर लिए हैं, 800 क्वेश्चन, और आई थिंक ये बहुत अच्छी क्वांटिटी है। अगर हम इतनी हरियाणा जीके को पढ़ लेते हैं तो बहुत कम चांस होते हैं कि हरियाणा जीके में, जो पेपर में हरियाणा जीके आने वाली है, वो इन क्वेश्चन से बाहर जाए। तो अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके, और आप लोग भी बताइए वीडियो कैसी लगी, और किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए आपको पेपर से पहले तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम भी अपना एफर्ट लगा के उस वीडियो को जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करें। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और जितनी मेहनत हो सके अभी कर दो, क्योंकि इसके बाद पता नहीं हरियाणा पुलिस के फॉर्म कब निकलेंगे, पेपर कब होगा। आप लोगों को भी पता है कब से ये फॉर्म भरे जा चुके हैं और कब यहाँ पे पेपर हो रहा है। यहाँ पे कुछ पता नहीं होता कि कब जॉब, कब फॉर्म आएंगे, कब उनका पेपर होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं पता होता। तो मौका मिला है, उस मौके को खोना नहीं है। यू कैन डू दैट और यू हैव टू डू दैट। ओके, चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहो, नुए अपना मौज लो, पढ़ते रहो। राम राम भाई।
सब अपना पेपर अच्छा दे के आओ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।